हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? प्लीज कंफर्म, एम आई प्रॉपरली ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू एंड प्रॉपरली विजिबल टू ऑल ऑफ यू? सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे गेट 2024 का कंप्लीट पेपर एनालिसिस, कंप्लीट पेपर डिस्कशन फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी पार्ट। ओके, सो लेट स्टार्ट करें आज का सेशन। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? गुड इवनिंग एवरीवन, यस गुड इवनिंग। कैसा गया आपका एग्जामिनेशन गेट बीटी का? कैसा गया आपका एग्जामिनेशन गेट 2024 बीटी का आपका? चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पेपर डिस्कशन। यस, सो दिस इज योर गेट 2024 बायोटेक्नोलॉजी बीटी डिटेल्ड पेपर एनालिसिस, डिटेल्ड पेपर डिस्कशन, राइट? चलिए स्टार्ट करें। आपने जो आंसर किए थे, यस गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग विवेक, गुड इवनिंग श्रद्धा, सो आपने जो आंसर किए हैं आप अपने आंसर्स भी बताइएगा कि कौन से आंसर्स आप करके आए हैं। यस दिया 47 मार्क्स, अच्छे मार्क्स है आपके, काफ़ी अच्छे मार्क्स है। यू कैन एक्सपेक्ट अंडर 500, ठीक है ना, 500 के अंडर आप एक रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दिया, यू कैन एक्सपेक्ट योर रैंक अंडर 500, ठीक है ना। 47 मार्क्स आर अबव एवरेज मार्क्स, बेसिकली अगर आपके 50 प्लस या फिर 55 प्लस 60 प्लस मार्क्स होते तो काफ़ी अच्छी रैंक आपकी आ सकती है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, लेट्स सी क्या रहता है आपका रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा। तो जो भी आंसर आपने किए हैं प्लीज उन आंसर्स को भी देखिएगा, बताइएगा कि आपने क्या आंसर किए किन क्वेश्चंस के अंदर। अगर कोई गलती की है, मिस्टेक की है, तो बेसिकली उसको आपको दोहराना नहीं है कभी भी आप एग्जाम दें तो। और अगर आपने किसी ट्रिक का यूज़ किया या फिर कोई एक ऑप्शन को देख के आपको याद आया तो वो भी प्लीज़ बताइए ना। चलिए तो डिटेल पेपर एनालिसिस स्टार्ट करता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द एड्स ऑप्शन क्रोमेटोग्राफी, इन एड्स ऑप्शन क्रोमेटोग्राफी the adsorption of uncharged solute molecules onto the silica based stationary phase is by, option A is covalent bonds, option B is electrostatic interactions, option C is ionic bond and option D is van der Waal interactions। तो इनमें से क्या आंसर है, क्या किया आप लोगों ने आंसर? बेसिकली जब कभी भी adsorption क्रोमेटोग्राफी होती है और यहाँ पर अनचार्ज सोल्यूट मॉलिक्यूल है adsorption का और सिलिका बेस्ड स्टेशनरी फेस है, तो वो बेसिकली होता है आपका बेसिकली डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से, ठीक है। तो बेसिकली आपका डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है और कुछ और आपके वीक इंटरेक्शंस होते हैं जो कि आते हैं अंडर में आपके वैन डर वाल फोर्सेस के। तो बेसिकली यहां पर वैन डर वाल फोर्सेस लगते हैं, यस वैन डर वाल फोर्सेस, वेरी गुड, डी आंसर आपका करेक्ट रहेगा। यस करेक्ट साक्षी, करेक्ट मोहम्मद सदनाम, निकिता बी नहीं होगा, डी होगा, ठीक है डी आंसर होगा, वैन डर वाल फोर्सेस आपका आंसर रहेगा इसका क्वेश्चन का, ठीक है। इससे पहले जो क्वेश्चंस है 10 क्वेश्चंस है वो आपके एप्टीट्यूड के हुए हैं और ये एप्टीट्यूड के IFAS एप्टीट्यूड पे आप जाएंगे तो वहां पर इसका डिस्कशन हुआ है, ठीक है। IFAS एप्टीट्यूड चैनल पे जाएंगे तो बेसिकली यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 1 to 10 जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है और इसके अलावा जो आपके क्वेश्चन है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सेक्शन ए से जितने भी क्वेश्चन है इंजीनियरिंग मैथ के सेक्शन ए के क्वेश्चन है वो भी आपको कहां पर मिलेंगे, एप्टीट्यूड के चैनल पे मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। ओके, सो इसका क्या आंसर किया आपने, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ प्रोसेस दैट इज जी एस इज इक्वल्स टू एपी अपॉन पी एस प्लस वन। यहां पर पूछा गया केपी इज द गेन एंड हेयर दिस इज द टाइम कॉन्स्टेंट, दिस हेयर इज द टाइम कॉन्स्टेंट, दिस इज अ डैश प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है ये, विच टाइप ऑफ प्रोसेस इज दिस, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर, यस करेक्ट।
this is the first order process basically. So the presence of single s term in the denominator without s square, अगर denominator में आपके पास में s है, s square नहीं दिया गया है, s है या फिर s square या फिर higher value power का मतलब है कि वो system जो है वो dynamic behavior करता है. And it can be described as the first order differential equation. Basically ये क्या बता रहा है आपका, first order differential equation को बता रहा है. This will be your first order reaction, first answer होगा. ठीक है, करेक्ट है सभी का, करेक्ट है आंसर. सभी स्टूडेंट्स एक बार आंसर करेंगे साथ के साथ में, जो भी आपने किया, अगर नहीं किया आपने तो भी बताइए कि ये क्वेश्चन आपने नहीं अटेम्प्ट किया है. चलिए आंसर कीजिए साथ के साथ में. सो यहां पर अगर s की वैल्यू ज्यादा होती तो हायर ऑर्डर रिएक्शन रहती, बट यहां पर s की वैल्यू सिंपल है, यहां पर सिंगल s टर्म है. ठीक है, ये बता रहा है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स के रेफरेंस में कौन सा कॉन्टेक्स्ट इनमें से सही रहेगा. किसी भी एक क्लोज्ड सिस्टम के अंदर नाइदर मास नॉर एनर्जी इज ट्रांसफर्ड अक्रॉस द सिस्टम, देन यू कुडंट डू दैट क्वेश्चन, कोई बात नहीं उसका. चलो देन, इन अ क्लोज सिस्टम बोथ मास एंड एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड द पोटेंशियल एनर्जीज. इन क्लोज्ड सिस्टम ओनली एनर्जी दैट कैन बी ट्रांसफर्ड अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री एंड नॉट मास. क्या आंसर लगाया इसका बेसिकली. तो हमारे पास में तीन तरीके के सिस्टम होते हैं. एक होता है ओपन सिस्टम जिसमें मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर होता है, उसके बाद में दूसरा होता है क्लोज सिस्टम, और फिर एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम. ये सभी का आंसर सही है, वेरी गुड. ये स्टेटमेंट तो आपको सभी को सही करना ही था क्योंकि इजी क्वेश्चन था काफी. यस वेरी गुड, वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा, क्या बात, वेरी गुड, चलो अच्छा है, ये आपने सही किया है. ठीक है ना, क्या स्टेटमेंट, हमारे पास में क्लोज सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ हीट एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, मास यहाँ पर ट्रांसफर नहीं हो सकता. ठीक है ना, दिस इज बी योर क्लोज्ड सिस्टम. देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रेनॉल्ड्स नंबर. रेनॉल्ड्स नंबर के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट होगा. इन अ स्टर टैंक बायोरिएक्टर, ठीक है, विच सिस्टम इज करेक्ट अबाउट रेनॉल्ड्स नंबर, बताइए. अरे सर ये तो बहुत इजी सवाल है सर, रेनॉल्ड्स नंबर का. यस सर, बहुत इजी सवाल है सर, ये तो बच्चे एक सेकंड में कर लेंगे. हाँ सर, जी सर, है ना सर. देखो क्या क्वेश्चन कहा गया है, अरे आंसर भी लिखा हुआ है सर आपके पास, तो क्या बात है. जी सर, हेलो बच्चों, हेलो कैसे हो आप. तो मैं आ गया हूँ योगेश सर के साथ. देखें, देखो ज्यादा डिटेल में पढ़ना है फिर तो आना ही पड़ेगा हमारे क्लासेस में, है ना. शॉर्ट में बताते हैं कि कहा है कि हमें क्या ढूंढना है सर, सही बात ढूंढनी है, ये कहा गया है. हाँ सर, करेक्ट, करेक्ट ढूंढना है. हाँ सर, कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ विस्कोसिटी. ऐसे कैसे भाई, ये तो डिपेंडेंट है इसलिए बात तो हो गई गलत. ठीक है सर. इन लेमिनार फ्लो मिक्सिंग टाइम इंक्रीजेस विद, नहीं जनरली इंक्रीज नहीं होता, ये हमने पढ़ा है क्लास के अंदर, क्या होता है डिक्रीज होता है. याद होगा रेनॉल्ड्स नंबर, टर्बुलेंस और सबके बारे में हमने बताई थी. फिर क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंपेलर. इंपेलर स्पीड से इनवर्सली कैसे होगा भाई, रेनॉल्ड्स नंबर वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ये वाली बात भी हो गई गलत. हाँ, टर्बुलेंट फ्लो जब कभी सर होता है तो वहां पर आप देखेंगे कि रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 4000 से ज्यादा होती है, और 4000 से ज्यादा होती है इसलिए यहां पर मिक्सिंग टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेनॉल्ड्स नंबर, इसलिए डी उत्तर एकदम सही है. और जिन लोगों ने भी डी उत्तर मारा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया उत्तर दिया है. निखिल, साक्षी, विवेक, श्रुति, अरे वाह श्रुति, मोहम्मद, साक्षी, अरे नमित, अतुल, मीनाक्षी, नेहुल, शोभा, तुबोए, बहुत ही बढ़िया, शर्मिला, क्या बात है सर. कहाँ थे सर विशाल सर, रेनॉल्ड्स नंबर का सवाल आया. हाँ सर. सर पता है पहले रेनॉल्ड्स का एक पेन हुआ करता था. हाँ सर, अभी भी आता होगा ना, अभी आता है, बड़ी मस्त लग रहा है. उसने पूरा रिवॉल्यूशन लेकर आया, पता है पहले, उससे पहले सर बहुत इंक पेन का काम होता है, उन्होंने पहली बार बॉल पेन लेकर आया. चलो पर इस रेनॉल्ड्स नंबर का उस रेनॉल्ड्स नंबर से कोई लेना देना नहीं है. विशाल सर एक बात कही है कि द रिलेशनशिप दैट इन्वॉल्व्स
एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज फॉर म्यूचुअल ग्रोथ इज, मतलब एक बहुत ही तगड़ा सवाल है, आपका नॉलेज यहाँ बढ़ने वाला है सर, ये टर्म आपने भी नहीं सुनी होगी, जनरली इस टर्म का इस्तेमाल नहीं करते कि दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स वो न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज कर रहे हैं, तू मेरा खाना खा मैं तेरा खाना खाऊं, इस तरीके से जैसे हम ह्यूमन लोग करते हैं, इस तरीके रिलेशनशिप को एंटागोनिज्म तो कहते हैं, एंटागोनिज्म तो जानी दुश्मन नहीं है, है ना, कि नेगेटिव नेगेटिव होगा, कैमेंसलिज्म हो नहीं सकता, पैरासिटिज्म वापस प्लस माइनस है, तो यहाँ पर थोड़ा सद्भाव भावना है, तो पीछे आंसर एक ही बच्चा, और वो क्या बच्चा, सिन का मतलब है साथ, प्रोपोजिशन सहभोजिता, इस तरीके का टर्म अगर करके कह सकते हैं, तो यही बात है, which is exchange of nutrients between two different species. कि मैंने दाल और सब्जी बनाई है तुम ले लो, क्या मैंने डोसा बनाया ये तुम खा लो, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स है ना सर, इसे क्या कहते हैं, सिंट्रोपिज्म, स्कूल में टिफिन भी एक्सचेंज होता है, क्या बात है सर, अरे वाह उत्तर भी डी निकला सर, ये सबने सही कर लिया होगा, अच्छा सर इसने आपने उदाहरण भी लिखा हुआ है, ओके बैक्टीरिया का जियोबैक्टर का सिंट्रोपिज्म किसके साथ, थायोबैसिलस के साथ, और जियो का बैक्टर का साथ में मिथेनो के साथ, अरे वाह सर बढ़िया एग्जांपल भी लेकर आया, क्या सर इनके बारे में कुछ और बताना चाहते हैं आप, नहीं सर बात है सर एग्जांपल एग्जांपल के तौर पर, प्लीज किसी जेआरएफ में दुर्गा से पेपर क्या है सॉल्यूशन करिए, अच्छा मैं करूंगा बेटा मैं करूंगा शर्मिला प्रॉमिस आई प्रॉमिस, बस थोड़ा सा मुझे समय उन्हें मिलने दो, मैं सेशन वाइज पहले बायोकेमिस्ट्री का फिर सेल बायो मॉलिक्यूलॉजी एक एक सेशन पक्का मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ विद इन 15 डेज एक एक करके सर अपन करते हैं, है ना, बिल्कुल आई विल डू इट प्रॉमिस, आगे बात करते हैं, पर अब प्रॉमिस तो है पर अब आपको साथ साथ आंसर देने हैं, इनके आंसर साथ साथ में आपको देने हैं, ठीक है, मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अरे भैया अप्लाइज टू एक्चुअली सेग्रीगेशन होता क्या है, मेंडेलियन फैक्टर्स किन्हें कहते हैं, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ सेम जीन्स एंड अल्टरनेट फॉर्म सेम जीन्स आर रेफर टू एज अलील्स, तू इस रस्ते में उस रस्ते वाली कहानी कहां पर अप्लाई होती है, है ना, कि टी वाला इधर जाएगा स्मॉल टी वाला इधर जाएगा, यही तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, टाटा बाय बाय मिलते हैं अगले जन्म में वापस अगली पीढ़ी के अंदर, वो भी मौका लगा तो, दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लिंक्ड जीन ऑन सेम क्रोमोसोम से कोई लेना देना नहीं है, अनलिंक्ड जीन से तो फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता, माइटोकॉन्ड्रियल जीन से साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता, ठीक है, वेरी गुड, सबने बहुत बढ़िया जवाब दिया, क्या शानदार खेल रहे हैं हिमांशु, नेहा मुस्कान मुस्कान आ गई, क्या बात है, क्या सही जवाब दिया है, बहुत बढ़िया दिख रहा है आंसर, अरे सर मेरा आंसर सही हुआ बी ही लिखा हुआ है, वेरी गुड, और अच्छा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का डायग्राम भी लेकर आए सर आप, तो बहुत ही खूबसूरत डायग्राम है, बिल्कुल सही है, देखो अलील्स का सेपरेशन हो रहा है, अलील्स कहां रिसाइड करते हैं ये भी आपको पता होगा, अलील्स दे रिसाइड ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड बाकी सारी कहानी, चलो अभी डिटेल में नहीं जाते, क्लास में आइएगा मजे आएंगे हमारी क्लास में पढ़ने के, ओहो को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटीन इन इज ऑब्जर्व इन, सर इधर ट्रांसलेशन हो रहा है, ट्रांसलेशन के साथ साथ प्रोटीन अंदर घुस रहा है, ऐसा तो तभी हो सकता है जब राइबोसोम वहां जाकर बैठ जाए, तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है जहां राइबोसोम जाकर बैठ जाए और बनते बनते प्रोटीन अंदर की तरफ घुसे, अरे विशाल सर क्या बात है, और ईआर में भी कौन सा ईआर बोले तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि बाकी सभी जगह पर चाहे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करो न्यूक्लियस की बात करो बाकी जो भी लाइसोम की बात करो पेरोक्सोम की बात करो सबके अंदर पोस्ट ट्रांसलेशनल टारगेटिंग देखने को मिलती है, बहुत खूबसूरत जवाब दिया नेहा ने विवेक ने मुस्कान ने, अरे गोल्गी किस खुशी में किया बेटा जैन साहब, ये तो गलत बात है ना, गोल्गी मतलब आप खुद मतलब चलो हो गया, पर आइंदा से सोचना कि को ट्रांसलेशनल टारगेटिंग के लिए आपको गोल्गी के सिर पर राइबोसोम को बिठाना पड़ेगा, ऐसा किस किताब के अंदर आपने चित्र देखा कि जहां पर गोल्गी के ऊपर राइबोसोम बैठा और बनते बनते ही वो प्रोटीन को अंदर घुसा रहा है ना बेटा, नहीं ना, चलो लॉजिकल थिंक लॉजिकल, देखो ओके इन्होंने भी आंसर यही दिया देखा, और सर इतना बढ़िया चित्र लिख रहा है, ये देखो राइबोसोम बैठा हुआ है कहां पर, ये ईआर का सर ल्यूमन है और ये ईआर की रफ ईआर की मेम्ब्रेन पर बाइंड है, और बाकी तो सर कितना बड़ा सैक 61 ट्रांसलोकोन कॉम्प्लेक्स एसआरपी रिसेप्टर एसआरपी प्रोटीन सिग्नल पेप्टाइड उसकी बाइंडिंग
ट्रांसलोकोन का ओपनिंग वगैरह वगैरह कितनी बड़ी कहानी है, फिर अंदर एंट्री, ये भगवान कितना डिटेल में पढ़ाते सर आप इसको। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कितना सिंपल आया पर फिर भी मुस्कान ने गलत कर दिया। क्या मुस्कान, इट्स वेरी रॉन्ग, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने दिमाग मारा नहीं, उसने कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सेप्ट दिमाग एक्स्ट्रा सोचा, गॉगी पे जाता है और गॉगी से फिर बाहर जाता है, सेक्रेटरी पाथ पे भेज दिया। अब ये सवाल बड़ा ही खतरनाक सवाल है सर, डेंजर सवाल है कि बीटा मरकैप्टो इथेनॉल कौन से बॉन्ड को तोड़ता है, वो भी लाइट चेन और हैवी चेन के बीच में कौन से बॉन्ड को तोड़ता है। विशाल सर ये कौन से बॉन्ड को तोड़ता है, उसमें तो एक ही बॉन्ड होते हो, डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, बाकी बॉन्ड को तोड़ने के लिए बीटा मरकैप्टो की जरूरत ही कहां है, बाकी क्या है। सर आई थॉट दैट रेट्रोग्रेड एंड एनोग्रेड पाथवे, अच्छा थोड़ा मैं कोई कह रहा हूं कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाया होगा मुस्कान, अदरवाइज तो गलत हो ही नहीं सकता था। और रेट्रोग्रेड और एनोग्रेड तूने सोचा भी बेटा कोई दिक्कत नहीं है, पर रेट्रोग्रेड और एनोग्रेड पाथवे भी तो ट्रांसलेशन के बाद की कहानी है, एक बार ईआर में घुसने के बाद की कहानी है कि वो हिंदुस्तान से अमेरिका जा रहा है या बीच में दुबई से लौट कर वापस आ रहा है या पाकिस्तान से ही लौट कर वापस आ रहा है, वो सब बातें तो सर ट्रांसलेशन के बाद की है, चाहे वो रेट्रोग्रेड पाथवे की बात करो चाहे एनोग्रेड पाथवे की बात करो, ठीक है। तो इसका उत्तर तो सबने सही बताया, क्या उत्तर होगा सर, डाइसल्फाइड बॉन्ड। बीटा मरकैप्टोल के अलावा और क्या एजेंट है वो भी पता होगा सर इनको, ना डीटीटी होगा जो और भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, दोनों के दोनों शानदार रिड्यूसिंग एजेंट है। और पता है रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एनवायरमेंट में क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन। पर ये क्या, यहां तो बॉन्ड ब्रेक हो गया, पर देखो हमारे ऊपर निर्भर करता है ना आधा कप खाली या आधा कप भरा हुआ। तो आप देखना विशाल सर क्या हुआ, मुझे सच में बताना कि बॉन्ड टूटा या बना, है ना, आप बताना, ठीक है, क्योंकि रिड्यूसिंग एनवायरमेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ऐसा आज तक पढ़ते आए। क्या हुआ सर, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया और दो बॉन्ड बन गए, तो नेट क्या हुआ, नफा की नुकसान, नफा हो गया, मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। ध्यान रखिएगा रिड्यूसिंग एनवायरमेंट फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एंड ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट ब्रेक्स द बॉन्ड। यहाँ पर बच्चे कंसेप्ट अलग बनाते थे कि सर बीटा मरकैप्टोल रिड्यूसिंग एजेंट, वो तो बॉन्ड को तोड़ रहा है, तोड़ नहीं रहा है, वो सल्फाहाइड्राइल बॉन्ड को बना रहा है, ऐसा कोई पढ़ाता नहीं है। अब से विशाल सर आपको ये पढ़ाना है कि बीटा मरकैप्टोल कौन से बॉन्ड बनवाता है, सल्फाहाइड्राइल बॉन्ड बनवाता है, और सल्फाहाइड्राइल बॉन्ड बनवाने के लिए डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ना जरूरी है। आइडो एसिटेट का काम है कि वापस दोस्ती ना करे, एक बार तलाक करवा दिया तो कहीं नहीं वापस विवाह ना कर ले, तो हम क्या करते हैं कि उनके ऐसा कुछ बांध देते हैं, अल्काइलेट कर देते हैं ताकि वो वापस डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन ना कर पाए, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट की कोई कमी नहीं है, चारों तरफ ऑक्सीजन है, आपने बीटा मरकैप्टोल हटाया फट वापस डाइसल्फाइड बॉन्ड बना देंगे, पर हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो पाए, इसलिए क्या ट्रीटमेंट करते हैं आइडो एसिटेट का। एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो मैं जल्द ही बनाने वाला हूं, याद रखिएगा सर मेरे पास बना हुआ है। देखो बच्चों की इतनी सारी डिमांड आ रही है और आप बताते ही नहीं है सर, बना हुआ है, बना हुआ है ना, तो बस अभी डालते हैं उसको भी, डाल भी चुके हैं सर। अरे एक्सपेक्टेड कट ऑफ आ चुका है, हे भगवान, मैं भी कहूं इतना लेट कैसे हो गया, उसका डिस्कशन भी हो गया, एक्सेल का डिस्कशन कल हो चुका है वैष्णव, हाँ एक्सेल का तो हाँ डिस्कशन भी कर लिया है, बिल्कुल एक्सेल का डिस्कशन मैंने भी किया था ना सर, मुझे याद आ रहा है, बायोकेमिस्ट्री का ना, हाँ ऐसे क्या यार, ऐसे क्या, ऐसे क्या करो बच्चों। चलो यहां से नई बात पता चली तो बजाओ ताली कमेंट बॉक्स में, और अगर पुरानी थी तो मत बजाना कोई बात नहीं, पर दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना कि रिड्यूसिंग एनवायरमेंट में बॉन्ड बनते हैं, ये वाला कंसेप्ट थोड़ा ध्यान रखिएगा जी सर। चलो आगे की बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग नॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ माइस पॉ, मतलब ओके ऐसा आप हमें इस तरीके से सर ऐसा पाव ऐसा बनाना है, माइस का ऐसा पाव बनाना है, ओ ऐसा बनाना है, पाव बनाना है, तो बीच में से ये चीजें कटनी पड़ेगी। अरे सर ये क्या बच्चों वाला सवाल पूछ लिया सर, ये तो प्रोग्राम्ड तरीके से सेल को हटाना हुआ, ये तो किसी एक पत्थर से मूर्ति का बनाना हुआ, तो पत्थर से मूर्ति यानी प्रोग्राम्ड तरीके से जो कारीगर होगा वह उनको हटाएगा, और ये तरीका क्या कहलाएगा, क्या कहते हैं इस तरीके को, अरे सर एपोप्टोसिस, बोले तो एपोप्टोसिस, क्या आंसर, एपोप्टोसिस
साहब बोलो एपोप्टोसिस. एपोप्टोसिस वन ऑफ द वे ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ. कोई दूसरा तरीका है विशाल सर एपोप्टोसिस के अलावा प्रोग्राम्ड तरीके से सेल को मारने का? अरे वाह सर ने एक दूसरा तरीका भी बताया जिसका नाम है ऑटोफेगी. और दोस्तों काम की बात, एक तीसरा तरीका और है, कौन कमेंट बॉक्स में बताएगा वो, जिस पर क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है. क्योंकि ऑटोफेगी एपोप्टोसिस सभी जानते हैं, पीसीडी मतलब एपोप्टोसिस, पीसीडी में लोग ऑटोफेगी के बारे में भी जानने लग गए हैं जब से विशाल सर पढ़ाते हैं, पढ़ाने लग गए हैं. एक तीसरा तरीका और भी होता है पीसीडी का, वो क्या होता है? प्लीज पिन द लिंक्स ऑफ ओके कट ऑफ वाला वीडियो. ठीक है बिल्कुल अभी पिंग करते हैं बच्चे, डिस्क्रिप्शन में डाल दें. ओके इसका आंसर ए ही निकला सर. हाँ सर. ओहो पूरा डायग्राम बनाया मैंने तो सारा सर, मेहनत करके बनाया था. ओके ये देखो पॉ बन रहा है, पॉ पॉ यानी बीच में से पर्टिकुलर जगह से सेल्स हट रहे हैं, ये बताना चाहते हैं सर आप इसमें? हाँ सर. बिल्कुल अच्छी बात है, मेरे उत्तर सही हो रहे हैं सर अब तक के. ये क्या है सर? ये आपके जूनियर्स के लिए है. हाँ कि अगर वह गेट बायोटेक की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और मेरे साथ बहुत फर्मेंटर्स को पढ़ना चाहते हैं, वह रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में पढ़ना चाहते हैं, वह स्पेसिफिक ग्रोथ रेट को पढ़ना चाहते हैं, मीन ग्रोथ रेट को पढ़ना चाहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक ऑक्सीजन रेशियो को पढ़ना चाहते हैं, खूब सारी चीजें पढ़ना चाहते हैं, तो रिकॉर्डेड बैचेस अवेलेबल है 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, 24 महीने के लिए बायोटेक्नोलॉजी में, विद स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल. और बुक्स तो बहुत शानदार है, विशाल सर ने गेट बायोटेक की बुक लिखी हुई है जिसमें साथ में मैंने भी योगदान दिया है, बहुत ही बढ़िया विद एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छी बुक है, बहुत मजा आ जाएगा. आपका तो इस बार हो जाएगा बेड़ा पार, पर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने दोस्तों को बताएं, जूनियर्स को बताएं. चलो है ना सर, बताएंगे सर? जरूर सर बिल्कुल. ओहो ये क्या सवाल आया भाई, थोड़ा लंबा क्वेश्चन आ गया, क्या बात है सर, दो दो नंबर के सवाल आ गया क्या? अभी एक ही है का है सर. एक कल्चर्ड स्किन फाइब्रोब्लास्ट सेल है बकरी का, किसका है सर? बकरी का. बकरी का क्या है? सेल पी. जी सर. बकरी का पूरा सेल जिसमें उसका न्यूक्लियस भी है, उसको फ्यूज किया हुआ था ई न्यूक्लियेटेड ओवम ऑफ गोट. हैं ये भी बकरी थी तो ये भी बकरी, अच्छा बी पी बकरी का क्यू बकरी के साथ जिसमें न्यूक्लियस नहीं था, तो न्यूक्लियस किस बकरी का आया सर? पी का. पी बकरी का. और सर माइटोकॉन्ड्रिया कौन सी बकरी के आए सर? यहाँ पे क्यू के. क्यू के भी आए और सर पी के भी आए, ऐसा तो नहीं कहा कि पी वाले में से सिर्फ न्यूक्लियस लिया तो हम क्या कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया किसके आए? पी के भी आए और क्यू के भी आए. पर प्रश्न क्या पूछ रहा अभी देखें. The resultant activated early embryo was then transplanted to okay. अब इसको बकरी सी में डाल दिया गया, बकरी सी को गर्भ धारण करवा दिया गया. अरे सर ये तो मैं बहुत बचपन में पढ़ाता था कि अब ये तीनों बकरियां गई जज के पास, सब कह रहे हैं मेरे बेटा मेरा बेटा, पर फाइनली जज इसको क्या निर्णय देगा कि वास्तव में ये बकरी का बच्चा बी बकरी का है, क्यू बकरी का है कि आर बकरी का है? और ये तो एस भी बात आई सर, क्या बताए? स्प्लांटेड टू सुडो प्रेग्नेंट आर और सेम स्ट्रेन एस क्यू ऑन कंप्लीशन ऑफ द फीमेल एस वाज बोर्न. अच्छा एस पैदा हुई, आर के ने गर्भ धारण किया, एस की उत्पत्ति हुई, फिर क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़ दे, तो माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़ देते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया किसके हैं, तो एस किसका क्लोन है? एस उसका क्लोन होगा जिसका न्यूक्लियस है. तो किसका न्यूक्लियस है? पी वाली बकरी का. तो ओनली पी. अच्छा एस का नाम सर डॉली है. एस का नाम डॉली है. डॉली. तो ये क्या है? डॉली की मम्मा. यस. डॉली की बायोलॉजिकल मदर. डॉली की बायोलॉजिकल मदर. तो सर क्यू क्या है? क्यू तो कुछ भी नहीं है ना, क्यू थोड़ी सी मदर है, थोड़ी सी है सर, मासी कह सकते थोड़ी बहुत क्योंकि उसने माइटोकॉन्ड्रिया तो दिया है ना, मौसी तो कह ही सकते हैं, माँ नहीं कह सकते. तो और सर आर को क्या कहेंगे फिर? आर तो आर सर भावनात्मक मम्मी है, भावनात्मक मम्मी है, इकोलॉजी के हिसाब से मम्मी है, क्योंकि एक्चुअली एक्चुअल वो मम्मी है. हाँ न्यूट्रिएंट तो पाला पोसा तो उसने है ना, पर ये पूछा नहीं गया, पूछा गया है कि बायोलॉजिकल मदर कौन है. ठीक है न्यूक्लियस कहाँ से आया हुआ है? क्या कर रहा है? कौन सा क्वेश्चन को चैलेंज करेंगे? वो जनरल एप्टीट्यूड पे हुआ डिस्कशन. अच्छा 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 अच्छा
एप्टीट्यूड के चैनल के ऊपर। हाँ जनरल एप्टीट्यूड को हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, जनरल एप्टीट्यूड और जो मैथ्स के क्वेश्चन है उनका डिस्कशन पहले ही हो चुका है जनरल एप्टीट्यूड पर। जी सर ठीक है, तो उसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स चैलेंज करना है कि नहीं करना। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। हाँ सर, अरे सर ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, अब इसमें क्या बताऊंगी भी क्या सर, रामायण ही खत्म हो गया। तो कहा कि सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए किसका होता है, तो ये तो वही डीएनए होगा जिसकी सीक्वेंसिंग सैंगर ने सबसे पहले की थी, जिसका सबसे काफी स्मॉल जीनोम है 5x174 बैक्टीरियोफेज, और सर बाकी सारे तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाले हैं। हाँ सर, है ना, लैम्डा फेज T5 ये सब डबल स्टैंडर्ड वाली फॉर्म सर। जी सर, तो सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म किसमें आई, 5x171 M13 कुछ उदाहरण है ना। आगे बात करते हैं भाई, क्या बात है, सबका जोश कैसे ठंडा हो गया। अरे सर डायग्राम भी बनाया आपने, सबका जोश कैसे ठंडा हो गया, क्या बात है, आप आंसर नहीं दे रहे हो, इतने दुखी कैसे हो गए शाम होते होते। सर जीए में क्वेश्चन सिक्स का आंसर आपने जो बताया है और आंसर की में जो डिफरेंट है वो चैलेंज करना है, अगर हमने बताया है और वो डिफरेंट है तो आपको चैलेंज करना चाहिए। इंग्लिश वाला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन था इंग्लिश का, अब वो तो एक्चुअली मैंने देखा नहीं सर, इसलिए अगर गलत है और हमने से उसका आंसर कुछ अलग दिया है तो डेफिनेटली आपको चैलेंज करना, और अगर आपका भी आंसर वही है जो हमने बताया वही आंसर अगर आपका भी है तो चैलेंज करना चाहिए। एक क्वेश्चन चेंज आ रहा था सर आंसर की में, और इनमें से कहा गया सर इंसेक्ट सेल लाइन कौन सी है, ओहो बायोटेक आनी चाहिए सर इसके लिए, तो वो भी एनिमल बायोटेक्नोलॉजी आनी चाहिए। ये क्या है सर, ये तो ह्यूमन सेल लाइन है किडनी की। अच्छा सर, SF9 आपकी इंसेक्ट की सेल लाइन है, इंसेक्ट की ओवरी से किसी से जगह से ली गई है। DHF अल्फा तो ईकोलाई की एक स्ट्रेन है, वाह वाह यहां कहां पर आ गई। CHO तो चाइना हैमस्टर ओवरी से सेल लाइन, चो सेल लाइन, तो ये कहां से है, है ना, चाइना हैमस्टर ओवरी, तो हैमस्टर से है। ये ह्यूमन आई थिंक एंडोथेलियल किडनी सेल लाइन है, पीछे एक ही बची सर SF9। आपने उत्तर क्या दिया देखें एक बार, आंसर बी, अरे वाह मेरा सही हुआ है। ओके इतना सारा डायग्राम भी बनाया, क्या बताना चाहते सर इस डायग्राम से पूरा, इंसेक्ट सेल लाइन यहां पर। अच्छा ओके ये क्या है, इंसेक्ट सेल लाइन है SF9। अच्छा आपने लिखा, देखो SF9 का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कौन सा वायरस है, पॉलीहेड्रल वायरस सर, पता है इंसेक्ट्स के अंदर है क्या, नहीं पॉलीहेड्रल, ये बेसिकली आपने शायद जो स्लाइड ली है वो ली है सर, किस तरीके से वायरस का इस्तेमाल कर आप इंसेक्ट को मार सकते हैं, इससे रिलेटेड कुछ आपने वहां की पिक्चर ली है, है ना, इंसेक्ट को मार देते हैं, इंसेक्ट को वायरस का स्प्रे कर देते हैं सर पौधों पर, इंसेक्ट उसको खाता है, वायरस उसकी बैंड बजा देता है, उससे रिलेटेड ये सवाल है। देखो इंसेक्ट सेल लाइन फूट रही है ना सर, ये देखो इंसेक्ट सेल लाइन फूट रही है, वहां से आपने चित्र लिया है जी सर, है ना, पॉलीहेड्रल जीन, ये देखो देखो सर, है ना, पॉलीहेड्रल जीन लिया है, वहां का एक फोटोग्राफ डाल दिया आपने यहाँ पर, ओके सर। जिसे क्या कौन सा तरीका कहते हैं, एक तो पेस्टिसाइड होता है और एक बायो तरीका कौन सा होता है मारने का, एक तरीका होता है बायोलॉजिकल तरीका, बायो कंट्रोल वाले में आता है। ओहो सैंगर्स का डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड में कौन क्या बेसिक प्रिंसिपल है, तो सैंगर्स के डीएनए सीक्वेंसिंग में बेसिक प्रिंसिपल सिंपल सा है कि यहां पर डाई डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का इस्तेमाल करते हैं। डाइडियोक्सी न्यूक्लियोटाइड जब कभी भी इनकॉर्पोरेट होगा वहां से चेन टर्मिनेट हो जाती है, और जैसा आपको पता है हमने क्लास के अंदर पढ़ा भी है कि डाइडियोक्सी न्यूक्लियोटाइड की कंसंट्रेशन कम रखी जाती है ताकि उसको कभी कभार मौका मिले, ज्यादातर नॉर्मल डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स को मौका मिलता है। तो आंसर क्या हुआ, चेन टर्मिनेशन बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ डाइडियोक्सी न्यूक्लियोटाइड। हाँ चैलेंज करो तिवारी जी, बिल्कुल हमारा आंसर अगर सेम है तो, अरे वाह इसका आंसर भी ए निकला।
एन एलिमेंट दैट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोटाइड बट नॉट इन न्यूक्लियस. अरे सर ये बच्चों वाले सवाल कैसे, गेट बायोटेक में ये बीटेक के बच्चे ऐसे कैसे सवाल, कुछ तो या तो बहुत हाई लेवल के आ जाते हैं या कुछ बहुत लो लेवल के आ जाते हैं सर, है ना. तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर सर शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट तीनों होती है और न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ शुगर प्लस बेस होती है, तो सीधा बात हो गई फॉस्फरस का कहानी. अब ये क्या सवाल हुआ सर. कोई अगर 12th क्लास का बच्चा नीट वाला भी देख रहा होगा तो कहेगा अच्छा ऐसे सवाल है, बड़े भैया का सवाल ऐसा आता है क्या बड़े भैया के एग्जाम में. नहीं ऐसा नहीं आता, ये तो गलती से एक ऐसा सवाल आ गया बच्चे, इतना सिंपल नहीं आता है ना. कोई नीट का बच्चा भी देखेगा तो कहेगा इतना सिंपल आया क्या. तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में सर आप तो फोटो भी लेकर आए हैं, न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट होता है और न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट नहीं होता. बहुत बढ़िया. ओहो सर ये वापस नीट का सवाल आ गया सर, नीट का सवाल कैसे आ गया. क्रैब साइकिल किस तरीके की पाथवे है. क्रैब साइकिल कैटाबॉलिक भी है और एनाबॉलिक भी है. ऐसी साइकिल जो कि दोनों तरीके से काम करती है उसे कहते हैं एम्फीबोलिक. एनाबॉलिक की तरह कब काम ज्यादा करती है, जब एटीपी ज्यादा हो, एनएडीएच ज्यादा हो. और कैटाबॉलिक की तरह कब काम करती है, जब एडीपी ज्यादा हो और एनएडी की मात्रा ज्यादा हो. क्या ये भी क्या सवाल पूछा गया सर. अरे वाह आंसर भी इन्होंने सी दे दिया, क्या बात है. अरे सर आपने तो पूरा डायग्राम भी बनाया, तो इस डायग्राम में मैं थोड़े से बदलाव कर दूं सर. हाँ, इसको सर ऐसे भी चला देते हैं ना, तो हाँ, फिर ये क्या हो जाएगा, दोनों डायरेक्शन में चलने वाली हो जाएगी. यस ठीक है, ताकि कैटाबॉलिक एनाबॉलिक, क्योंकि अभी सीधा एक राइट लेंगे तो कैटाबॉलिक चलेगा. चलो तो अब ये दोनों रस्तों पे चल सकती है, सिर्फ पहले तीन स्टेप को छोड़ दो आप, है ना, इन तीन स्टेप को छोड़ दो, बाकी सारे सारे स्टेप कैसे हैं रिवर्सिबल. ओहो सर एक प्रोटीन डी नेचर, ऐसा ऐसा हो गया बेचारा, डी नेचर हो गया, क्या हो गया, डी नेचर हो गया. ये एन टर्मिनस और ये सी टर्मिनस. अब इसको हमने रैट में इंजेक्ट किया सर, किस में इंजेक्ट किया हमने, रैट में इंजेक्ट किया, ये हमने रैट में इंजेक्ट, रैट नहीं रैबिट है, रैबिट में, इसलिए मेरा चित्र भी रैबिट बन रहा है, तो रैबिट में इंजेक्ट कर दिया सर. एंटीबॉडीज जनरेट किसके बारे में होगी सर. प्रोटीन कैसा है, डी नेचर्ड है. अगर फोल्डेड होता तो टर्शरी या क्वार्टरी स्ट्रक्चर के अगेंस्ट बनती, दोनों गए भाड़ में. सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्राइमरी है सिर्फ अभी. हाँ प्राइमरी बचा, क्यों प्राइमरी बचा, सेकेंडरी टर्शरी क्वार्टरी क्यों नहीं है, क्योंकि प्रश्न में लिखा गया है कि प्रोटीन को डीनेचुरेट, और डीनेचुरेशन का अर्थ होता है बच्चों नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन को तोड़ देना, और जब आप नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन को तोड़ दोगे तो प्रोटीन कौन से स्ट्रक्चर में होगा, प्रोटीन वुड बी इन इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर. सो एंटीबॉडीज विच वुड बी प्रोड्यूस्ड वुड बी ऑल्सो अगेंस्ट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यस और नो. यस चलो शाबाश. अरे वाह आंसर भी ये निकला सर, मैंने देखा कहीं कुछ अलग तो नहीं दे दिया. सुडोजीन, सुडोजीन आर म्यूटेंट फॉर्म ऑफ नॉर्मल जीन, जो बड़े अजीबो गरीब होते हैं, कुछ तो काम ही नहीं करते, कुछ अलग तरीके का प्रोटीन बनाते हैं, कुछ मॉडिफाइड प्रोटीन बनाते हैं, कुछ प्रोटीन ही नहीं बनाते, उन सबको सुडोजीन्स कहा जाता है. अल्टर्ड प्रोटीन बनाते हैं ना सर, बस ओरिजिनल नहीं बनाते बाकी. हाँ और सुडोजीन्स सर एक कहानी याद आई मुझे, सुडोजीन्स हम पढ़ते हैं पता है आप क्या पढ़ते हो, सुडोजीन्स आप पढ़ते हो सर, एक बहुत बड़ी आप दिमाग से निकल गई, बहुत अच्छी कहानी है सर इसके पीछे, सुडोजीन्स के पीछे है ना. सुडोजीन्स प्रोटीन्स विद ओरिजिनल फंक्शन तो कोड करेंगे नहीं, दिखती बात है ओरिजिनल फंक्शन कोड करते तो फिर उन्हें सुडोजीन नहीं कहते सर, फिर उन्हें डुप्लीकेट जीन कहते. क्या कहते सर, डुप्लीकेट जीन्स कहते. तो डुप्लीकेट जीन्स तो है नहीं, ठीक है. प्रोटीन अल्टर्ड फंक्शन तो है ही, आरएनए विद कोडिंग सीक्वेंस ऑब्वियसली तभी प्रोटीन अल्टर्ड बनेगा, आरएनए विद रेगुलेटरी फंक्शन बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं. यस सर ठीक है. अरे भैया इसमें सबने क्या क्या प्रोटीन विद डू नॉट पूछा है, डू नॉट है सर फर्स्ट. हाँ तभी मैंने कहा बच्चे टू टू कैसे कह रहे हैं ना, डू नॉट है, तो डू नॉट में आंसर ए होगा, ये गलत कर रहा है ये तो. क्या विवेक सही किया, मुस्कान जैन साहब क्या हो रहा है, और विवेक कासट उत्तर कैसे चेंज हो गया. उमा ये क्या हुआ, ऐसे कैसे गलत हुआ, उत्तर इसका ए होना चाहिए, देखें क्या है. हाँ ए ही है, बहुत बढ़िया शाबाश. आहा ये देखो सुडोजीन में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो सकता है, स्टॉप कोडन हो सकता है, मिसलीडिंग इंट्रॉन हो सकते हैं, यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है, मिसिंग प्रमोटर हो सकता है, जिसे वो हो सकता है बिल्कुल एक्सप्रेस ही ना हो, ऐसी कई सारी चीजें हो सकती है.
है ना, ठीक है जी सर। ये देखो कितनी तरीके की चीजें हैं यहां पर, कितनी तरीके की चीजें हैं। यस सर, आगे देखो, ओहो द डिग्री ऑफ रिडक्शन फॉर ऑक्सलिक एसिड, तो उसके लिए सर वैलेंसी पता होनी चाहिए आपको। कार्बन की वैलेंसी सर 4 होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी सर 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी सर 6 माइनस 2 होती है। सॉरी वैलेंसी मैं वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पे चला, कोई बात नहीं सर, होता है सर, होता है होता है। तो कार्बन को हमने हर एलिमेंट का निकाला, हाँ। उसके बाद नंबर इन सबको ऐड करते हैं सर, 2 × 4 किया सर हाइड्रोजन को, 1 × 2 किया सर, प्लस ऑक्सीजन का 4 है, −2 किया सर, इन सबको ऐड किया सर, कितना, और नंबर ऑफ डिवाइड बाय नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है सर, 2 कार्बन है, उनसे डिवाइड किया, 8 + 2 + 4 − 8 डिवाइड बाय 2, 8 और 8 मर गए आपस में, 2/2 हो गया, 2/2 करके आंसर आ गया 1, उत्तर आ गया 1, क्या उत्तर, अरे वाह मेरा आंसर हो गया सही, क्या बात है, थोड़ा केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी मेरा आंसर सही हो गया, बड़ा ही इसमें बार मेरे धक धक हो रही है, क्या पता गलत निकल आए, है ना, तो ये क्लास में पढ़ा हुआ है, वहीं से सवाल आया है, चिंता मत करिए, है ना, ये क्या दिस एलिमेंट की क्या लिखा हुआ सर, द डिग्री ऑफ रिडक्शन ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू इट्स वैलेंस, बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही बात है, कार्बन का 4 है, अच्छा इतना हाइड्रोजन, ऐसे स्टेप बाय स्टेप कर रखा है, ओके डिग्री ऑफ रिडक्शन कैसे होगा, ये सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल एलिमेंट आ गया, बहुत अच्छी बात है, उसको नंबर ऑफ कार्बन से डिवाइड किया, उत्तर 1 आया, तो ये तो मैंने वैसे ही निकाले सर, इतना लंबा क्वेश्चन करके दिया आपने। ओहो इफ एन ई कोलाई डिवाइड्स एट 0.5 पर हार, एक घंटे में आधी जनरेशन होती है सर, क्या सर आधी जनरेशन, क्या लिखा हुआ है, डिवाइड 0.5 टाइम्स डिवाइड होती है पर हार, तो डबलिंग टाइम कितनी है, तो उसका रेसिप्रोकल ले लो ना, जो ये बेसिकली मीन ग्रोथ रेट है, तो मीन ग्रोथ रेट का रेसिप्रोकल लेते ही आपके पास जनरेशन टाइम आ जाएगी, कितना आ जाएगा, 1/0.5 कितना होता है, 2 घंटे होगा, 2 घंटे में पूरी डिवाइड होगी, आधे घंटे नहीं, 1 घंटे में आधी होती है सर, तो पूरी होने में कितना लगेगा, यही पूछ रहे कि कोई वस्तु 1 घंटे में आधी पैदा होती है, तो फिर एक पैदा होने में कितना समय लगेगा, 2 घंटे लगेंगे सर, यू भी जियोलॉजी की सोचना, लिखा है कि 1 घंटे में कितनी पैदा हो रही है सर, आधी, तो पूरी होने में कितना समय लगेगा, 2 घंटे लगेंगे, ऐसे ही होगा ना सर, बहुत ही बढ़िया, 2 घंटे, वाह वाह मेरा उत्तर भी 2 घंटे है, हाँ इसके अंदर कुछ आंसर सर, इसके एम्बिग्युइटी बता रहे थे बच्चे, काहे की एम्बिग्युइटी बच्चा, आंसर्स बन भाई, काहे की कोई फार्मूला लगा लिया क्या, कुछ लॉग वॉग निकाल रहे थे सर, काहे का लॉग निकाल रहे थे मेरे, काहे का लॉग निकाल रहे थे भैया, अरे आप ये सोचो कि है ना, इसलिए को लिखा क्या है सर, देखो ना, हाँ, एक घंटे में आधी जनरेशन, तो 2 घंटे में कितनी जनरेशन होगी सर, 1 जनरेशन, और 1 जनरेशन में जो समय लगता है उसे ही क्या कहा जाता है, डबलिंग टाइम। रॉन्ग आंसर है रॉय साहब, कोई बात, भगवान करे आपका सही हो, पर मेरा लॉजिक तो यही कहता है, और इनका लॉजिक भी तो वही निकला सर, रॉय साहब आईटी को चैलेंज करने में चल रहे हो, क्या बात है, ओके आपने लिखा है सर रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, सही तो लिखा हुआ है सर, 2 ही होगा, बिल्कुल सही है, क्या बात है, इतनी कितनी माइक्रोबायोलॉजी आ गई, शेडो बॉय कौन सी शेडो में बेटा, 0.693 बाय, पता है 0.639 आता भी कहां से है, वो लॉन 2 की वैल्यू है, ठीक है, आप लॉन्ग नेचुरल लॉग 2 को के से डिवाइड कर रहे हो, उसे क्या कहते हैं मेरे भाई, हर जगह जो फॉर्मूला याद है उन्हें टपका देते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना, नेचुरल लॉग 2/k आप कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, आप सोचो एक बार, भगवान करे आपका सही हो, अपन क्यों चाहे, है ना सर, अब भाई मैंने तो एग्जाम दिया नहीं, आपने दिया क्या सर, आपने दिया क्या सर, सर किनका सही होना चाहिए, बच्चों का, तो यही आंसर सही है, कौन सा आंसर सही है, 0.693/0.5, चैलेंज करो, मैं तो नहीं कहता, इट्स नॉट, डोंट टेक माई वर्ड्स, आई एम नॉट सेइंग दिस, इफ यू विश यू कैन, करना चाहिए ना, क्या पता सर, अगर क्योंकि एक नंबर भी मिलता है तो और नेगेटिव तो नहीं होगा इसमें, बट मिल जाएगा एक नंबर तो मिलेगा ना सर इनको, अगर इनको लगता है, इनको कन्विंस है कि नहीं हमारा उत्तर सही है, तो
एक नया आंसर आया 2.3 इसका चलो अच्छा इसका डेसिमल रिडक्शन टाइम सर डेसिमल रिडक्शन टाइम होता है कि वह समय काल जिसमें पॉपुलेशन पीछे 10% ही बचती है 90% समाप्त हो जाती है और कहा गया है थर्मल डेथ रेट कांस्टेंट कितना है ये कहा गया है तो थर्मल डेथ रेट कांस्टेंट अच्छा ये तो दे रखा है 1 per minute दे रखा है बहुत अच्छी बात है डेसिमल रिडक्शन पॉइंट स्टेलाइजेशन इज एट 120 degrees Celsius विथ फर्स्ट ऑर्डर थर्मल रेट कांस्टेंट इज दिस तो ये हो गया दोस्तों नेचुरल लॉग ऑफ 10 डिवाइड बाय थर्मल रेट कांस्टेंट की वैल्यू हो गई 1 है ना लॉग ऑफ 10 डिवाइड बाय 1 हो गई और लॉग ऑफ 10 की वैल्यू होती है 1 डिवाइड बाय 1 हो गया 1 तो 1 ही रह गया तो उत्तर मेरा आंसर तो 1 ही आया सर 1 मिनट आया देखें एक बार इसका क्या क्या देखा है ओके 1 ही उत्तर है यस द डेसिमल रिडक्शन पॉइंट इज लॉग 10 डिवाइड बाय थर्मल डेथ रेट कांस्टेंट यही मैं भी कह रहा हूं लॉग 10 डिवाइड बाय थर्मल रेट कांस्टेंट 1 by 1 आ गया बहुत ही बढ़िया चैट जीपीटी और अदर एआई ने भी 1. अरे तो चैट जीपीटी पर भरोसा करें कि केसी सर पर भरोसा करें शेडो बॉय हैं चैट जीपीटी पर भरोसा करना चाहिए क्या हैं बहुत गलत बताता है नहीं नहीं कोई बात नहीं मैं तो कह रहा हूं आपका सही हो पर लॉजिकली सोचो ना मतलब क्या कौन क्या बताता है उससे कोई मतलब नहीं है सोचो दोस्तों मतलब एक शेडो बॉय जस्ट सोचो कि 1 घंटे में आधी जनरेशन होती है मतलब चलो मारो चैट जीपीटी क्या कहती है दूसरे लोग क्या कहते हैं बाकी सब लोग क्या कहते हैं वैल्यू दे रखी है सर कि 1 घंटे में 0.5 तो 1 जनरेशन में कितना समय मेक इट वेरी सिंपल ठीक है चलो लॉजिकली था उड़ाए बाकी आप करो आपका सही हो पीछे वाले का 2.3 था कौन से 2.3 था 1 आया सर उसका कहां से 2.3 है भगवान जाने कहां से आंसर गलत नहीं है चलो आगे और आपको लगता है तो आप देखो मैं मेरी जो नॉलेज है उसके हिसाब से बता रहा हूं भाई मेरी नॉलेज कोई 100% नॉलेज तो है नहीं फाइनली जो सर नॉलेज होगी वो तो किताबों की होगी है ना ऐसा थोड़ी कि जो मैंने बता दिया वो लोहे की लकीर है इट्स नॉट लाइक दैट द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज जो मैं हो सकता तो वो उत्तर बता रहा हूँ और आपको लगता है फिर भी कहीं पर गलती हुई है तो आपको पूरा हक है और करना भी चाहिए क्या पता 1 नंबर बढ़ जाए भाई है ना तो हमारे बहकावे में आना भी नहीं चाहिए बेस्ट क्या काम से ठीक है नहीं मैं भी सही हूं ऐसा कोई नहीं भाई मैं सही भी हूं तो अभी आपको रिप्रेजेंटेशन लगाना चाहिए क्योंकि आपको मार्क्स मिलेंगे अगर आपका से अगर आपसे कन्विंस हो जाते हैं एग्जामिनर आईटी के तो आपको मार्क्स मिलेंगे ना आई डेव नेवर से कि मेरी बातों में आकर आप अपने मार्क्स को गंवाओ मैं गलत हूं पर आपके मार्क्स मिलते हैं तो आई वुड बी मोर हैप्पी क्योंकि आपका फाइनली सही होना जरूरी है ओ सर इसको तो मैच करना है सर कहां से मैच करना शुरू करें सर कहां से शुरू करें सैंड फ्लाई से या येलो फीवर से येलो फीवर से तो मॉस्किटो हो गया सर ये सीधा हो गया वाह 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 सर ये हो गया सर सैंड फ्लाई से ये भी सही बात है सर अरे सर अभी भी गाड़ी चल रही है चगाज को बग्स में डाल देते हैं सर बग्स में डाल देते हैं सर क्योंकि ट्रिप्नोसियस है वो आपका सीसी सैंड सीसी फ्लाई से होगा मेरा उत्तर 1 निकला सर हाँ सर सही है भाई आप भी सहमत हो देखें आईटी ने क्या कहा उन्होंने भी कहा अरे वाह सही हुआ है मेरा आंसर की में 2.3 था कैसे 2.3 था कैसे आंसर की में 1 ही था वापस चेक कर लेंगे सर अभी चेक कर लेंगे 1 मिनट में आंसर की का तो क्या बेटा 2.3 तो कैसे आएगा मोहम्मद वापस एक बार आंसर की देखना एक बार चेक कर ले मैंने नहीं देखी आंसर आपने देखी है तो आपकी रिस्पांसिबिलिटी आंसर की में गलत था कि नहीं पे तो रेजुना भी देखी होगी उनका 1 है तो 1 ही सही केसी सर ने कह दिया वो फाइनल है पर देख लेना एक बार सर आंसर की में ना और सर आपने तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि चगाज है वो देखो हाँ सर सीसी फ्लाई भी दे रखी है आपने
यहाँ पर तो सर मच्छर भी लगा दिया है आपने, सारी चीजें सारे वैक्टर्स लेकर आ गए सर आप तो यहाँ पर। कुछ बताना चाहते हैं सर स्पेशल इसके बारे में? वेक्टर के फोटो ही लेकर आए ना सर, कि बग लेकर आ गए, मकोड़ा लेकर आ गए, ये चग्गास डिजीज के लिए आप रेडविड बग लेकर आ गए, बहुत ही बढ़िया सर। मैच द इंडस्ट्रियल एंजाइम एंड इट्स एप्लीकेशन। सर देखो कितना सिंपल है सर, ओलिगोसैकेराइड तो अमाइलेज ही करेगा सर, नहीं सर अमाइलेज क्यों करेगा, दो बातें भी दे रखी है आपके पास है ना, क्योंकि माल्टो सिरप भी तो दे रखा है, तो अमाइलेज तो माल्टो सिरप कर लेगा क्योंकि वहां पर, और ग्लूकोसाइडेज से ओलिगोसैकेराइड मोनोसैकेराइड को तोड़ सकते हैं, लाइपेज से आप ऑयल का डिग्रेडेशन कर सकते हैं, ठीक है फिर तो आंसर ही निकला है ना सर पी का टू, फिर फाइसिन पीछे बचा मीट को टेंडर करने के लिए है ना, तो पी का टू क्यू का फोर आर का वन एस का थ्री, उत्तर हुआ बी, बी हुआ सही, वेरी गुड शाबाश। ये तो 2.3 बता रहे मैंने जस्ट चेक किया है, 2.3 है, 20.2.3 है, ठीक है मैं चेक कर लूंगा बेटा है ना, क्वेश्चन 35 का 2.3 है, सर आपने गलत चेक किया, सर ने आंसर दिए नहीं, आंसर तो मैंने जो चेक किया शायद वही आंसर डाल दिए होंगे ना आपने, तो 2.3 क्यों है मैं एक बार चेक करता हूं बेटा, और आपका भी 2.3 है तो फिर चैलेंज करिएगा है ना जी सर। आगे बात करते, ओहो लाइपेज क्या करता है, आपने तो सारी सारी बातें बता रखी है, अमाइलेज क्या काम कर रहा है सर, ये सारे एंजाइम्स बता रखे, ग्लूकोसाइडेज क्या कर रहा है, खैर इतनी डिटेल बताने की जरूरत भी नहीं है सर। अगला क्वेश्चन देखिए, मैच द एंजाइम विद इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शंस। प्राइमेज क्या है दोस्तों, प्राइमेज डीएनए टेम्पलेट को इस्तेमाल कर आरएनए प्राइमर का निर्माण करता है, तो ये बेसिकली आपके पास आरएनए का निर्माण करेगा, डीएनए की आरएनए पॉलीमरेज की तरह हो गया, तो पी का तो हो गया 4। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है सर, आरएनए का इस्तेमाल करते हुए डीएनए बनाएगा, तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए मतलब क्यू का हो गया 3, पी 4 क्यू 3, आंसर ही निकला है ना सर। बाकी तो आरएनए रेप्लिकेज, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस करेगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस करेगा, उत्तर हो गया डी है ना, सही बात है सर। हाँ शुभ नारायण, 2.3 होगा तो बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं भी चेक कर लूंगा मैंने कहाँ गड़बड़ की है, देख लूंगा एक बार है ना, क्योंकि डेसिमल लॉग पॉइंट के अंदर क्या वैल्यू दे रखी है, एक बार वापस चेक कर लेंगे। चलो अभी देखते हैं उस क्वेश्चन को, डेसिमल रिडक्शन टाइम की बात करें ना सर, ये अभी एक बार सर वेरीफाई कर दिया। अच्छा ये एंजाइम है, कौन सा एंजाइम कहाँ काम कर रहा है, मतलब ये क्या आ गया। अगला क्वेश्चन है कि ओके डिटैचमेंट ऑफ एडरेंट सेल, तो सर ये ट्रिप्सिन करता है मुझे पता है। हाँ सर, हाइपोजेंथिन आपका हाइब्रिडोमा हेट मीडियम का एक कंपोनेंट है, एच वहीं से शुरू होता है। नियोमाइसिन सर आपका सिलेक्शन मीडियम एनपीटी आप जानते ही हैं। ग्लूटामीन एक अमीनो एसिड है विच कैन एक्ट एज अ सोर्स ऑफ कार्बन नाइट्रोजन, तो क्यूपी का 3 क्यू का 1 आर का 4 एस का 2 मतलब सही है, बहुत बढ़िया, ये तो किसी ने गलती है नहीं होगा, ए ही इसका आंसर है। वाह 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 सर, आप तो ग्लूटामिन का चित्र भी लेकर आए हैं, क्या बात है सर, ये क्या सर हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का फोटो लेकर आए हैं, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के अंदर हाइपोजेंथीन अमीनोप्टेरिन और थाइमिडीन का एडिशन किया जाता है, वाह 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 सर बहुत बढ़िया। ये क्या सर एक्सप्रेशन वेक्टर, ये क्या बताना चाहते हैं सर, इसमें क्यों लेकर आए सर आप, हाइब्रिडोमा को ही आगे बता रहे होंगे आप है ना। हाँ सर, फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन को बता रहे थे, ओके ओके, डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहे थे आप। सर कुछ जानकारी दीजिए। हाँ तो सर, गेट के एस्पिरेंट्स के लिए कि ना फ्री कंटेंट है गेट के ऐप के ऊपर, लाइक लेक्चर्स है, पीवाईक्यूज है, स्ट्रेटजी सेशंस है उसके ऊपर, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे ऑल्सो, बाकी और भी बहुत सारी डिटेल्स है, तो आपके पास में क्लासेस भी रहेंगी, तो काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी, फ्री कंटेंट है, तो बेसिकली आपको रजिस्टर करना है फॉर फ्री कंटेंट एंड ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगा। कुल मिलाकर आपको अपने जूनियर्स को बताना है कि पैसे देने की जरूरत नहीं है, आईएफएसए ऐप को डाउनलोड कर ले, गेट सेक्शन में जाएं, काफी सारी काम की इंफॉर्मेशन यहां पर अवेलेबल है जी। पैसे दे तो बहुत अच्छी बात है, फ्री कंटेंट लाइफ साइंसेस के लिए भी है, बायोटेक्नोलॉजी के लिए, सिर्फ उन्हें एनरोल करना है और ये फ्री लेक्चर्स इस तरीके से आपको दिखाई देंगे, ये बताया गया है ना सर, ये बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, टेस्ट सीरीज भी जो है, फ्री टेस्ट जो अवेलेबल है वह भी ऐप के अंदर इस तरीके से आपको गेट टैब के अंदर दिखाई देंगे,
फ्री जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, पिछले 10 साल के क्वेश्चन सर यहाँ पर अवेलेबल है, क्या बात है सर, और टेस्ट फ्री टेस्ट भी यहाँ पर अवेलेबल है जो आपने कंप्लीट कर सकते हैं। ओहो ये भी एनालिसिस कर रखी है कि क्या कट ऑफ रही है अब तक की, कौन से पेपर कौन से टॉपिक्स किस, ओ ये भी एनालिसिस है कि पेपर एनालिसिस भी है कि इसके साल में किस टॉपिक से कितने प्रश्न बने, ये भी वहां पर दे रखा है सर, पूरा पेपर एनालिसिस। वाह सर वाह, वो भी फ्रीली, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत खूबसूरत, बहुत मेहनत की है, वाह मेरी इच्छा आपने पूरी कर ली। मैं कब से चाहता था कि ऐप में सारी चीजें फ्री होनी चाहिए ताकि बच्चों को बेनिफिट मिल सके। गेट का पेपर क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या है, ये भी सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर दे रखी है। ओ मोटिवेशनल टॉक भी आ गई सर, क्या बात है, गेट के टॉपर्स की जितनी भी टॉक है आईएफएस की वो सारी सारी यहाँ पर आ गई है। और आपके जूनियर इसके अलावा पेड कोर्सेज ले पाए तो उनका बहुत बहुत वेलकम है, है ना सर? जी सर। डिस्काउंटेड प्राइस, ओहो इतना कितना डिस्काउंट दे रहे हैं सर आप, बहुत ही बढ़िया, ये तो क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड सर, एक्सीलेंट। चलो आगे बात करते हैं, इसको मैच करना है, वाह वाह वाह। सीजियम क्लोराइड सर डेंसिटी का ग्रेडियंट बनाता है, यस सर। इटीडियम ब्रोमाइड सर डीएनए आरएनए को स्टेन करने का इस्तेमाल होता है सर, हाँ सर। EDTA एक चिलेटिंग एजेंट है सर, मैग्नीशियम आयन वगैरह को रोकता है सर, तो पीछे एक ही बच गया सर, डाइथाइल पायरोकार्बोनेट जो प्रिवेंशन ऑफ आरएन डिग्रेडेशन एक्वस लाइट, तो क्या हो गया सर P2, हाँ सर P2 Q3 R4 यस सर, मिल गया सर अपना उत्तर, मिल गया बिल्कुल सही, यस सर डी आंसर है जी सर। ओहो सर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं आप कि डाइथाइल पायरोकार्बोनेट जिसे डाइथाइल डाइकार्बोनेट भी कहा जाता है लेबोरेटरी में आरएनएस को इनएक्टिवेट करने के लिए किया जाता है, वाह सर। सेंट्रीफ्यूगेशन में ग्रेडियंट बनाने के लिए सीजियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है जो बहुत एक स्टीप ग्रेडियंट बनाता है, बहुत अच्छे। तो सर लेक्चर की क्लास स्लाइड्स लेकर आ गए आप, तो इथिडियम ब्रोमाइड है वह डीएनए और आरएनए को स्टेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जेल्स में, एग्रो जेल्स में। डीएनए को या ज्यादातर एंजाइम्स को अपना काम करने के लिए मैग्नीशियम आयन चाहिए, और मैग्नीशियम आयन को या कोई भी डाइवलेंट कैटायन को चिलेट करने का काम करता है हमारा EDTA, बहुत ही बढ़िया सर, वाह वाह। ये एक मैथ्स द फॉलोइंग तो बहुत बहुत आए और सिंपल भी आए हैं सर, कुछ गलत होने का, जैसे वो हमारा अभी शेडो बॉय कह रहा है कि मेरे ज्यादातर सही हुआ, ऑब्वियसली क्वेश्चंस होने भी चाहिए, अब ये भी गलत हो जाए तो फिर बड़ी गलत बात है ना। पॉलीएक्राइल अमाइड इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक प्ररूप है सर, है ना, पॉलीएक्राइल अमाइड जेल। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में आप कार्बन 13 नाइट्रोजन 15 हाइड्रोजन 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लू लेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, लेजर लाइट का सर इस्तेमाल कहां करते हैं, फैक्स के अंदर सर, है ना, लाइट लेजर लाइट डालते थे, डिंग 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 डिंग, फैक्स के अंदर। टंगस्टन फिलामेंट का इस्तेमाल करेंगे सर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में, ऐसा क्यों करेंगे, कर लो कुल मिलाकर हमें तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन की बीम को टकरानी है ना, जो पोरस आपके पास एक इलेक्ट्रोड होनी चाहिए जहां से तेजी से इलेक्ट्रॉन भाग सके, ठीक है ऐसा ही करें सर। तो पी का 2, क्यू का 1, आर का 4 और एस का 3, कोई है क्या 41 43 21 43 21 43 मतलब बी, वाह वाह मैच हो गया सर ये तो, वाह वाह सर। इसमें क्या बताना चाहते हैं चित्र में सर, आप कवि क्या कहना चाहता है सर इसमें बताइए सर, ये क्यों चित्र है? बस सर ऐसे सर, टंगस्टन है तो टंगस्टन के साथ में सोर्स है सर। अच्छा प्रूव करना चाहते हैं, देखो टंगस्टन इस्तेमाल हो रहा है, अरे बच्चे मान लेंगे सर, आपने कह दिया बच्चे यूं ही मान लेते सर, उनको प्रूफ की जरूरत रिक्वायरमेंट नहीं है कि पॉलीएक्राइल रोसेस होती है, ये लेजर लाइट का इस्तेमाल हो रहा है, ब्लू लेजर लाइट का इस्तेमाल हो रहा है फैक्स के अंदर, अच्छा इसलिए लेकर आए क्या सर, देखो कुछ, ओहो NMR भी लेकर आए सर, वेरी गुड, NMR भी लेकर आए, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड सर। ये देखो ये मैच द फॉलोइंग, बहुत सिंपल सा मैच हो रहे, सारे मुस्कान कह रहे हैं मेरे भी सारे सही हुए, इसका मतलब इजी क्वेश्चन थे, बहुत अच्छी बात है बेटा और होने भी चाहिए। जीरोडर्मा पिगमेंटोसम NER की वजह से सबको पता है जी सर। सिकल सेल एनीमिया बीटा चेन के अंदर म्यूटेशन की वजह से है, सिक्स पोजिशन कोडोन चेंज हो रहा है, टेसैक डिजीज एग्जामिनेडेज की वजह से है, और ट्राइसोमी ऑफ 21 से डाउन सिंड्रोम है, यानी पी का 3, क्यू का 1, आर का 4, एस का 2, 31 42 सी आंसर सही होना चाहिए, बिल्कुल सी सही है सर। yes.
वाह सर, क्या बताना चाहते हैं कवि इसके बारे में सर? कुछ प्रकाश डालिए सर, कुछ तो होगा सर, ऐसा नहीं है, आपने कुछ सोच समझ कर डाली है स्लाइड सर। सर वही ना सर, आर बताओ सर वो क्या सेलेनियम का क्या बता रहे अच्छा सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी की सेम सिकल शेप होती है। हाँ, और ये बता देना चाहते हैं ग्लूटामिक एसिड की सर आज स्लाइड लेकर मुझे बताना पड़ रहा है कि आप क्या बताना चाहते हैं कि ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वैलिन आ जाता है। ग्लूटामिक एसिड का कोडोन क्या होता है पता है? गैग होता है, उसकी जगह पर गुग हो जाता है, ए की जगह पर यू हो जाता है, यानी यहाँ पर ट्रांसलेशन तरीके का म्यूटेशन होता है। और इसमें कवि क्या कहना चाहता है सर? ये थाइमिडीन डाइमर है, थायमिडीन डाइमर की वजह से न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज जीरो डर्मा पिगमेंटोसम होता है। ओके, ये बताना चाहते थे, वेरी गुड सर। दो आ रहे हैं ओके, टेल सैक डिजीज लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज है, उसमें एंजाइम हेक्सामिडेज ए काम नहीं करता। हेक्सामिडेज ए का सर एक दूसरा नाम और भी है क्या सर? बताओ सर। क्या सर? जीएम टू गैंग्लियोसाइडेज। लाइजोम में एक्युमुलेट होता है, न्यूरल सिस्टम में गड़बड़ होती है, और ट्राइसोमी 21 से होता है डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 18 से होता है सर एडवर्ड सिंड्रोम, ट्राइसोमी 13 से होता है सर पटाउ सिंड्रोम, सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी से होता है क्लनफिल्टर सिंड्रोम, ट्रिपल एक्स की वजह से होता है मेटा फीमेल, एक्स जीरो की वजह से होता है टर्नर सिंड्रोम। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन आएगा सर? नहीं आएगा ना सर, इतना ही आता ना, बस ठीक है आगे बात करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ विंग्स इन बैट एंड इंसेक्ट। बैट के अंदर वो मेसोडर्मल ओरिजिन है, इंसेक्ट के अंदर वो एक्टोडर्मल ओरिजिन है, पर दोनों का काम उड़ान भरना है, और हम भी हौसलों से उड़ान भर सकते हैं। तो पर इस तरीके का इवोल्यूशन कि लोग मेसोडर्म से उड़ान भर रहे हैं, इंसेक्ट एक्टोडर्म से उड़ान भर रहे हैं, और हम हौसलों से उड़ान भर रहे हैं, इस तरीके के इवोल्यूशन को क्या कहा जाएगा? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कि एक जैसी हमारी इच्छा है लेकिन हमारे एंसेस्ट्री अलग अलग है, इस तरीके के इवोल्यूशन को क्या कहेंगे सर? कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट है सर, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो हौसलों से उड़ान होती है ना, सही बात है। अच्छा, शिवा का भी मैचिंग वाले सारे सही हुए हैं क्वेश्चन, मतलब कुछ तो इजी थे, हो सकता है आगे हार्ड आए। कहा गया है इज आर आ गया, मतलब सर ये एम एस क्यू आ गया क्या कुछ? हाँ सर, अनकॉम्पिटेटिव इनिबिटर के बारे में। तो अनकॉम्पिटेटिव इनिबिटर वह होते हैं जो सीधा एंजाइम के मुंह नहीं लगते, तभी एंजाइम के साथ इंटरेक्ट करते हैं जहां पर पहले सबस्ट्रेट बाइंड हुआ हुआ हो, दैट इज दे बाइंड टू ओनली टू ईएस कॉम्प्लेक्स, इट बाइंड टू एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ओनली, बिल्कुल सही बात है। इट रिड्यूसेस, बिल्कुल वीमैक्स को भी रिड्यूस करता है और के एम को भी रिड्यूस करता है। इट बाइंड टू फ्री एंजाइम के साथ कहां से बाइंड होगा? इट सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट पर कैसे बाइंड हो जाएगा? तो उत्तर क्या हो गया सर? बी एंड सी आपने दिया होगा ना। हाँ, बी एंड सी दे रखा है, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही उत्तर है। ये क्या था सर? ओके, बताया है ग्राफ के अंदर बताया है कि अनकॉम्पिटेटिव इनिबिशन में सिर्फ टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनता है, जबकि कॉम्पिटेटिव के अंदर सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट पर वह जाकर बाइंड होता है। ये ग्राफ से सर बताने की कोशिश कर रहे हैं, देखो वी मैक्स घट गया, देखो के एम भी घट गया, ये देखो सर बताना चाहते हैं लाइन व्यूअर बर्क कर्व प्लॉट से भी कि केएम भी घट गया, वीमैक्स भी घट गया, पर स्लोप में कोई चेंज नहीं आया सर, यही बताना चाहते थे। ठीक है सर, ओके, स्लोप रिमेन अनचेंज्ड, वेरी गुड, आगे बात करते हैं। ओहो, ये क्या है भैया? बट मैंने सीडी कर दिया, यहीं से गलत हुए मोस्टली। अच्छा, मतलब आगे इसका मतलब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा गड़बड़ है, इसीलिए गड़बड़ हुए होंगे बच्चों। देखें क्या है। अरे सर देखो, अंधा भी कैसे प्रश्न सही कर सकता है? सुनो मुझे एक, अभी देखा आंसर यू निकल कर सामने आया, टपक कर आया सर सामने कि इनमें से कौन सा अल्कलॉइड है। अल्कलॉइड्स आर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, बस फॉर्मूला भी लिख दिया सर आपने, तो यहां पर भी नाइट्रोजन है। क्या है सर? हाँ, नाइट्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन नहीं है, इसमें नाइट्रोजन है और इसमें नाइट्रोजन है, उत्तर ही आ गया सर। भाई अल्कलॉइड्स नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स ही है ना सर, है ना। एक तो साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स के बारे में बात कर रहे हो और एक अल्कलॉइड्स की बात कर, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, उत्तर ही निकल आया सर। एजाडिरेक्टिन इज ऑब्टेंड फ्रॉम नीम प्लांट, हमारा नीम जिससे दंत मंजन भी लोग कर लेते हैं, एजाडिरेक्टा इंडिका। एजाडिरेक्टिन के अंदर बेसिकली ये शायद लिम्नोइड है सर, ट्राइटरपिन डेरिवेटिव है, और इसमें इंसेक्ट रिपेलेंट प्रॉपर्टी होती है, इंसेक्ट रिपेलेंट होती है, यस सर।
34 को चैलेंज करेंगे बिल्कुल। तो इनमें से कौन से अच्छा नहीं है पूछा, अच्छा मल्टीपल चॉइस है, कौन सा पूछा है? ए सी डी तीनों, अच्छा कौन से है? तो हमारे है कौन कौन से, ए है, सी है और डी है। कौन नहीं है? एज अ डायरेक्टिन नहीं है, मल्टीपल कंपनी, इसलिए थोड़ा हार्ड हो गया सर ना। हाँ। कि कई बार डाउट होता है कि नाइट्रोजन होने के बाद भी क्या पता ये अल्कलोइड नहीं हुआ तो नहीं होने वाला, तो फिर सर साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स ही बचे हैं, बाकी तो क्या, बाकी सारे सारे अल्कलोइड की कैटेगरी में है। चाहे अजमलेसिन की बात करो, कैम्पोथेसिन की बात करो, कैम्पोथेसिन कहां इस्तेमाल करते हैं सर? टोपोइसोमेरेज का इनहिबिटर है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी, विनब्लास्टिन भी सर विंका रोजिया से प्राप्त है ना, तो ये भी एंटी कैंसर है। वाह वाह, सेकंड ईयर, ये सर क्या बताना चाहते कवि यहां पर? अच्छा कि टर्पीन्स, टर्पीन्स में हमारा आता है नाइट्रोजन कंटेनिंग एल्कलॉइड्स, एल्कलॉइड्स यहाँ पर आते हैं, वेरी गुड, ये बताना चाहते हैं कवि। ओके ठीक है सर, ए सी डी, वाह सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर हेल्प्स इन डिस्टिंग्विशिंग एलील्स यूजिंग रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, कैपिटल टी और स्मॉल टी को रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म से कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? तो बहुत सिंपल सा सर ये तो है ना, कि ए के अंदर कुछ साइट्स रेस्ट्रिक्शन साइट में वेरिएशन होगा सर, इसमें और इसमें हो सकता है साइट में वेरिएशन है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? डिफरेंस इन द नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज साइट, बिल्कुल ये फर्क है, और एस लिखा हुआ इसका मतलब ये भी एमएसक्यू है सर, मुझे तो समझ में आ गया, एक से उत्तर ज्यादा भी सही हो सकते हैं क्योंकि हेल्प्स की बात कर दी इसने। डिफरेंस इन द एबिलिटी ऑफ एलील्स, ऊपर नहीं लिखा होता कि एमएसक्यू टाइप का है कि एमसीक्यू टाइप का, ऊपर लिखा होता है सर, मतलब पहले क्वेश्चन की स्टार्टिंग में, पहले जो जितने यहां से यहां तक है वो सारे एमएसक्यू ऐसे लिखा होता है ना। हां फिर ठीक है, एमएसक्यू चल रहा है अभी। डिफरेंस इन द एबिलिटी ऑफ एलील टू अंडरगो रिकॉम्बिनेशन नहीं, डिफरेंस इन द एबिलिटी ऑफ एलील टू अंडरगो सेग्रीगेशन नहीं, आरएफएलबी का काम ये थोड़ी है। डिफरेंस इन द नंबर ऑफ टैंडम, हां टैंडम रिपीट्स से भी फर्क आ जाएगा सर, कि अगर यहां पर साइट नहीं पर नंबर ऑफ रिपीट्स, अगर यहां पर मान ले टैंडम रिपीट्स 3 है सर और यहां पर टैंडम रिपीट्स 2 है तो साइट्स पास में आ जाएगी, नंबर टैंडम रिपीट्स बढ़ती जाएगी, उससे राइट है वह दूर हो जाएगी, तो रेस्ट्रिक्शन जो फ्रैगमेंट बनेंगे उनकी लेंथ में वेरिएशन देखने को मिलेगा। अच्छा दो सही मार्क्स के, अच्छा ये कह रहे हैं कि एजा, एजा या वो नाइट्रोजन से नहीं लिया, ये एजा डायरेक्टा इंडिका से लिया गया है ना बेटा, एजा डायरेक्टा इंडिका उस एजा से नहीं लिया गया, साइंटिफिक नेम बॉटनिकल नेम है नीम प्लांट का। ये केमिस्ट्री वाले वो इसमें एग्जामिनर ने आपके साथ चोट कर लिया है ना, कि एजा डायरेक्टा से एजा सोचकर अल्कलॉइड ना लगा दे। ओके ये हुई बात, अब समझ में आया। अच्छा इसका आंसर है ए एंड डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर considered as biotic elicitors, है ना, जो बेसिकली रिस्पॉन्स जनरेट करवा देते हैं सर, उन्हें क्या ना elicitors का डिफेंस के लिए, मतलब लड़ने की शक्ति एक्स्ट्रा पैदा आती है। झंडू कौन सा था सर? झंडू अपन लेते हैं सर, अपनी शक्ति बढ़ जाती है, च्यवनप्राश, च्यवनप्राश है ना, पौधों का च्यवनप्राश क्या है ये पूछा है ना, कि पौधे कौन से च्यवनप्राश खाएं कि उनका डिफेंस सिस्टम और मजबूत हो जाए, तो काम करने में कौन कौन काम करता है सर? सेल लेस काम करेगा सर, क्योंकि कई सारे फंगस है उनकी सेल वॉल में, सेलुलोज होता है उनको अटैक, काइटिन का पता नहीं सर, मर्करी क्लोराइड तो पक्का नहीं, वो तो मारने का काम करता है सर, मर्करी क्लोराइड तो आप प्लांट टिश्यू कल्चर में इस्तेमाल करते हैं, वो एलिसिटर नहीं है, वो तो खत्म कर देता है, मार देता है, तो एलिसिटर नहीं है, काइटोसन भी हो गया और काइटिन भी हो गया, यानी फंगस का इंफेक्शन हुआ तो वो सर एक्टिविटी करेगा, एलिसिटी करेगा रिस्पॉन्स को ना, है ना सर, सेलुलोज भी सेल वॉल में कुछ में होता है, काइटिन भी होता है, काइटोसन भी होता है, तो मैं तो ए बी सी करता सर, बिल्कुल सर, क्या उत्तर है सर आपका? ए बी सी है सर, ए बी सी, अरे वाइस, काइटोसन सेलुलोज, ओके क्या लिखा है सर ने, एलिसिटर्स आर कंपाउंड व्हिच एक्टिवेट केमिकल डिफेंस इन अ प्लांट्स, यस, तो मर्करी क्लोराइड तो मार ही देगा, बाकी सारे सारे डिफेंस को जनरेट करेंगे। हाँ वो सभी उसको चैलेंज कर रहे हैं ना, 1.36 वाला आप भी करिएगा, है ना। ठीक है गीतिका, आगे बात करते हैं जी। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अ मैमेलियन सोमेटिक सेल फेल्स टू अंडरगो माइटोसिस ड्यूरिंग सेल साइकिल, मैमेलियन सोमेटिक सेल कब माइटोसिस नहीं करेगा?
सेल प्लेट का फॉर्मेशन तो यहाँ होता ही नहीं सर. मैमल्स में कौन सा सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है? वो तो प्लांट सेल्स की बात है. इनकम्प्लीट डीएनए रेप्लिकेशन हुआ तो सेल साइकिल अरेस्ट होगा. काइज़ा फॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं है तो भी सेल साइकिल में अरेस्ट होगा. तो आंसर क्या हुआ विशाल सर? सही है, बी और डी. अरे वाह यार सर, सही जा रहा, किस्मत सही जा रही है मेरी तो. ये तो मेरा फेवरेट है कि इनमें से कौन से नेचुरली पाए नहीं जाते. तो इंडोल आई ए ए और आई बी ए नेचुरल है सर. 2,4-D नेचुरल नहीं है, सिंथेटिक है. और एन ए ए जो रूटिंग इंड्यूस करने के लिए टिश्यू कल्चर में इस्तेमाल करते हैं वो भी आर्टिफिशियल है. तो हमारे पास आर्टिफिशियल ढूंढने थे सर, नेचुरल कौन से नहीं है. तो ए एंड डी हो गए सर. ये तो फेवरेट सर, इसके ऊपर तो 4 साल बीता है सर, इस काम के ऊपर पीएचडी करने में, रूटिंग शूटिंग कराने. हाँ साक्षी सरफेस डिसर्फिस मर्करी क्लोराइड की बात कर रही है. वो इसका मतलब कहा है कि क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग बिलो एमआरएनए सीक्वेंस. इट कंटेन्स 9 codons इन अ रीडिंग फ्रेम. चलो बनाते हैं रीडिंग फ्रेम, क्या फर्क पड़ गया सर. एक दो तीन चार पांच छ सात आठ ए आ गया स्टॉप कोडॉन. रुक जाओ के भाई, रुक जाओ थमो. तो कितने कोडॉन्स हैं? 80 codons है सर, 9 तो स्टॉप कोडॉन है ना. टोटल कितने ओपन रीडिंग फ्रेम में यहां से काउंट करेंगे अपन? हाँ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9. ओपन रीडिंग फ्रेम स्टार्ट्स विद अ यूजी स्टार्ट कोडॉन एंड एंड्स विद अ स्टॉप कोडॉन. तो भाई 10 तो नहीं हुए. नहीं सर, 8 अमीनो एसिड आएंगे सर, क्योंकि ये तो अमीनो एसिड को कोड करेगा नहीं. क्या उत्तर हुआ? ए एंड सी हुआ. इन्होंने क्या दिया? अरे वाह, ए एंड सी दिया, बहुत अच्छी बात जी सर. रेट की यूनिट स्पेसिफिक रेट में दिया था, क्वेश्चन ही गलत है. हाँ ये कह सकते हैं कि जी क्वेश्चन ही गलत है, बिल्कुल सही बात है. हाँ अगर न्यूमरिकली आप जाओगे और यूनिट से निकालने की कोशिश करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा. हाँ स्पेसिफिक रेट ग्रोथ से निकालने की कोशिश करोगे, सही बात है. अच्छा सर ऐसा कर भी रखा है आपने तो, पूरा पूरा ये बना भी रखा था कि स्टार्ट कोडॉन है, ये स्टॉप कोडॉन है, बीच के अंदर टोटल 9 codons है और 8 amino acids आएंगे. बहुत ही बढ़िया. इनमें से किस कंडीशन में बीटा गैलेक्टोसाइडेस का जीन इंड्यूस होगा? तो इंडक्शन होने के लिए ई कोलाई मांगे लैक्टोज का होना और ग्लूकोज का एब्सेंट होना, है ना सर? इंडक्शन तभी होगा, तभी होगा सर. कैटाबोलाइट रिप्रेशन से बाहर आना है और लैक्टोज चाहिए एलेलेक्टोज बनाने के, एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज और प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज. बिल्कुल सही बात. Which of the following factors can affect the growth of microbial culture in a batch cultivation process? Batch culture मतलब पहले आपने culture किया, फिर उसमें से कुछ और निकाल कर fresh नए medium पर inoculate किया, वापस ढक्कन लगा कर बंद कर दिया, उसी कहते हैं सर batch culture. तो continuous और batch culture. प्रणाम साधु खान साग्निक. Which of the following factors can affect the growth of microbial culture? Okay, in batch cultivation process, pH से affect पड़ेगा, osmolarity पर पड़ेगा, substrate concentration पड़ेगा, substrate feed rate तो सर batch culture में नहीं होती है, तो continuous में होती है ना सर? कहाँ होती है? Continuous cultures होते हो. यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं सर? Batch culture. तो यहाँ पर सब्सट्रेट की फीड रेट तो वेरिएबल होगी नहीं. एक बार सब्सट्रेट दिया, डाल दिया फिक्स अमाउंट में और उसमें मटेरियल डाला, ढक्कन बंद किया, बैच कल्चर तो बैच कल्चर है. उसमें कहां से आ जाएगी ये वाली बात, सब्सट्रेट फीड रेट ये कहां से आ जाएगी? ये तो आ नहीं सकती सर. तो उत्तर क्या हो गया? एबीसी. अरे वाह. अंडर कंप्लीट सेल वॉश आउट कंडीशन इन अ कीमोस्टेट, मतलब अब कंटिन्यूस सेल की बात कर दी सर. कीमोस्टेट जिसमें आपका कुछ इनपुट भी हो रहा है और कुछ एग्जिट भी कर रहा है इस बायो रिएक्टर में, और एक पंखा भी लगा देते हैं जो घूम रहा है मस्त वाला, ठीक है. यहाँ पर कुछ ये इलेक्ट्रोड्स वगैरह लगा दिया हमने. क्या है कि कौन से स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? बायोमास कंसंट्रेशन इज रिएक्शन इज मैक्सिमम, नहीं ये तो प्लग फ्लो रिएक्टर्स में होता है.
सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इन द एग्जिट स्ट्रीम इज लेस देन, नहीं यहां पर जो सर बाहर निकलेगी कंसंट्रेशन और जो अंदर कंसंट्रेशन हो तो एग्जैक्टली सेम होगी, लेस देन कैसे होगी ये भी हो नहीं सकता। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इन द एग्जिट मीडियम इज इक्वल, सी तो पक्का है। अब दिखती बात है सर तीन में से कोई एक ही हो सकता है, ये भी कैसे हो सकता कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो बाहर निकली उसे सबस्ट्रेट होगा ही नहीं, 100% ऑफ सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट हो नहीं सकता, इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, ठीक है सर, है ना। तो सी आउट वुड बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन विच इज ओवर हियर, सी इनके बराबर होगी। क्या उत्तर दिया सीएसआर ने, सॉरी गेट ने क्या दिया, सी दे रखा, वेरी गुड शाबाश। ओहो ये तो सर खतरनाक सवाल था, पूरा सॉल्यूशन भी करके लेकर आ गया बहुत ही बढ़िया। देखो दोस्तों फर्मेंटेशन मीडियम है जिसको कूल किया गया 121 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और कैसा काउंटर फ्लो है पैरेलल, अच्छा काउंटर करंट है ना, मतलब एक का फ्लो इधर से इधर हो रहा है, ये हॉट वाला है और ये कोल्ड वाला, ये हॉट वाला और ये क्या है सर कोल्ड का, कोल्ड वाला। हॉट के अंदर इनपुट टेम्परेचर है 121 डिग्री सेंटीग्रेड और बाहर निकलते हो ठंडा होकर निकलता है 30 पर, जो ठंडा वाला अंदर एंटर होता है वो 10 पर एंटर होता है और बाहर निकलता है वो निकलता है 70 डिग्री पर, और निकालना क्या लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस। तो सर एक बार ट्रांजिशन कर दो तो बच्चों को दिख जाए पूरा पूरा सॉल्यूशन, कर रखा है तो मैं क्यों मेहनत करूं कि लॉग मीन टेम्परेचर निकालने के लिए आप क्या करोगे, डेल्टा टी वन माइनस डेल्टा टी टू डिवाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ डेल्टा टी वन बाय टी टू, जिसमें डेल्टा टी वन क्या है टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूड एंटरिंग तो वह है 121, माइनस टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूड एग्जिटिंग तो कोल्ड फ्लूड एग्जिट कितने कर रहा है 70, तो 121 में से 70 को माइनस करना यहां पर वैल्यू आपके पास आ जाएगी डेल्टा टी वन, और 30 में से 10 को माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी डेल्टा टी टू, तो डेल्टा टी वन की वैल्यू आ गई, डेल्टा टी टू की वैल्यू आ गई, डेल्टा टी वन माइनस डेल्टा टी टू क्या 51 में से 20 आपने निकाला 31 हो गया, नीचे क्या है वापस टी वन बाय टी टू का नेचुरल लॉग है तो 2.5 का नेचुरल लॉग निकालना है 0.936, 31 से भाग दो और स्क्रीनशॉट खींचो, उत्तर आएगा 33.11, क्या बात है। ओ 33 से 35 के बीच में आना चाहिए और हमारा भी उत्तर 33.11 निकाला सर आपने, बिल्कुल सही निकाला। एमएसक्यू में एक आंसर सही हो सकता है, हाँ हो सकता है ना, क्योंकि तभी तो इज और आर बता रहा है वो, साफ है ना, वो मूर्ख थोड़ी है तो आर ही लिखता है ना, इतना इतनी तुम्हारे लिए मेहनत क्यों कर रहा है बेचारा वो, है ना, इतनी ग्रामर का ध्यान रख रहा है तुम्हारा, कितना ग्रामर का ध्यान रख रहा है, इतना ग्रामर का ध्यान रख रहा है ना। यस बिल्कुल शेडो बॉय कह रहा है, बिल्कुल सही बात है, हाँ तो हो सकता है ना, इसीलिए तो इज और आर लिखता है ना बच्चा, ग्रामर डाला है सर, एक क्वेश्चन भी डाल दिया इज वाला, ठीक है चलो आगे बात करते हैं। वाह 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 वाह, एस्परजिलस नाइलस नाइजर है, उसको 10,000 लीटर स्टेट में ग्रोथ किया गया है, स्टडी स्टेट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 1:10^-4 ग्राम है, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी इतनी है, मैक्सिमम पॉसिबल सेल कंसंट्रेशन की, तो सर काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन लेकर आए होंगे ना सर, 80s की आंसर है और इसका पूरा सॉल्यूशन देखिए काफी बड़ा है, इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, काफी डिटेल जब कभी भी समय मिलेगा आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लेगा कि पहले आपके पास गिवन वैल्यूज क्या है वो ध्यान रखो, फिर कन्वर्ट करो इन वैल्यूज को, है ना। थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि अगर आपको कम दिख रहा हो तो जूम कर देते हैं, सबसे पहले गिवन वैल्यूज क्या है उनको देखो जी, फिर उसके बाद KLa को सेकंड में निकालो, फिर यूनिट्स करेक्ट निकालो OUR के लिए, ऑक्सीजन अपटेक रेट के लिए, फिर कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल सेल कंसंट्रेशन पता करो, फिर कैलकुलेशन कर वैल्यू रखो, आंसर आपका कितना आएगा 80 किलोग्राम पर मीटर। काफी लंबा समय लगेगा इसलिए अभी स्किप कर लेते हैं, पर आप सॉल्यूशन ले ही आए हो तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। ओके और ये भी सर काफी बड़ा, दो दो नंबर के सवाल थे क्या सर ये, क्योंकि इसके अंदर भी आपको पूछा है कि इथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 10,000 लीटर स्टेड बायो रिएक्टर, द डेंसिटी एंड विस्कोसिटी ऑफ फर्मेंटेशन प्रोडक्ट इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड 1 CP रिस्पेक्टिवली, द डाटा पर्टेनिंग टू पावर नंबर एंड इंपेलर दे रखा है 1:5 में 75:500 में 10^5 में 5, यूजिंग द अबाउट डाटा पावर रिक्वायर्ड फॉर स्टेड टू ऑपरेट 300 RPM। ये भी काफी लंबा क्वेश्चन है सर, इसका भी सॉल्यूशन आप लिख रहे हैं क्या, आंसर इसका 625 है, इसके अंदर भी आपको क्या करना है ये सारे स्टेप्स, आपका स्क्रीनशॉट इसका निकाल लीजिएगा आप, क्या क्या करना है, सबसे पहले कन्वर्टर इंपेलर स्पीड इनटू आरपीएम, फिर कैलकुलेट करो रेनॉल्ड्स नंबर को, फिर डिटरमाइन करो पावर नंबर को रेनॉल्ड्स नंबर से,
फिर कैलकुलेट करो पावर कितना रिक्वायर्ड है वैल्यू में प्लेस करने पर और सब कुछ करने पर जो आपके पास पावर वॉट में आई उसको किलो वॉट में कर दो 1000 का भाग देकर। इतना सरल है, थोड़ा टाइम खाऊ है सर। यहाँ पर आते आते थोड़े से क्वेश्चन लंबे हो गए हैं सर। ओके वो देखो बॉय ने क्या किया कि सर 80,000 इसने लास्ट तक तो निकाल लिया और पिछले क्वेश्चन में 80,000 हाँ पर 1000 से भाग नहीं दिया, रेट चेंज नहीं की, होता है ऐसा, काफी बड़े क्वेश्चंस थे। चलो पर नेगेटिव तो नहीं होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा है सर। हाँ सर है ना, इसमें तो करना क्या है देखा जाए तो एक वैल्यू देर की है -32 देर की सर। हाँ एक ही वैल्यू देर किया बस 8.2 और कहा है अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट से ग्लिस्ट्रोल का फॉर्मेशन कितना होगा, तो इसमें से वैल्यू माइनस करोगे तो आप बस 28-26 के आसपास आएगी। देखें -24 आनी चाहिए, कैसे कि एटीपी से एडीपी की वैल्यू देर की है -32 एटीपी हाइड्रोलाइसिस की, अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट की ग्लिस्ट्रोल की वैल्यू देर की है -8.2। फिर कहा है कि बच्चों ग्लिस्ट्रोल प्लस एटीपी अगर अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट कन्वर्ट होगी तो कितना होगी, ये तो पूछा है। तो ग्लिस्ट्रोल से अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट की वैल्यू कितनी है सर, 8.2 तो इस डायरेक्शन में, तो उसका रिवर्स डायरेक्शन में जाओगे तो कितनी हो जाएगी +8.2 हो जाएगी, और एटीपी हाइड्रोलाइसिस वाली वैल्यू कितनी है वो तो सीधी रखिए -32.2। तो बस ये दोनों को ऐड ही तो करना था, ऐसे ही कुछ किया होगा सर आपने। हाँ ये ही किया, मैं हटा देता हूँ 8.2 प्लस माइनस वाली वैल्यू -34 किलो जूल, ये तो सबने सही किया होगा, सिंपल एडिशन ही करना था। सर फ्री एनर्जी चेंज वाले में साइन लगाना भूल गए, ओ गीते का ओके इसमें सब्ट्रैक्शन एरर कर दिया, ठीक है हाँ साइन लगाना बहुत जरूरी था, -32 प्लस 8.2 फिर आप वैल्यू -24 आएगी। ओके गीतिका बेटा क्या है, इकोलाइज इनोकुलेटेड ना शेक फ्लास्क कंटेनिंग न्यूट्रिएंट रिच मीडियम, द इनिशियल वायबल सेल इज मीडियम इज स्टैंड्स फॉर, एंड फिर आपके पास N0 की वैल्यू सर कितनी है, स्टैंड्स फॉर 2, NT की वैल्यू कितनी है सर, स्टैंड्स फॉर 6। क्या पूछा है कितनी नंबर, अरे सर ये तो मेरे को एक मिनट में कर लूंगा, लॉग ऑफ NT माइनस लॉग ऑफ N0 डिवाइड बाय लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3, दैट इज लॉग ऑफ NT इज स्टैंड्स फॉर 6 की वैल्यू 6 हो गई, इसकी 4 हो गई डिवाइड बाय 0.3 हो गई, दैट इज सॉरी 2 हो गई, 4 डिवाइड बाय 0.3 हो जाएगा सर, जो आंसर आने का वो आ जाएगा, ऐसे कुछ आंसर आएगा। क्या क्या सर 12.75 से 13.5 ऐसा कैसे आएगा सर, ऐसे ही आएगा हाँ 40 डिवाइड बाय 3 हो गया ना, हाँ आ जाएगा, सही है रेंज में आ जाएगा, वेरी गुड। ओके ये फॉर्मूला लगेगा लम है ना, ये फॉर्मूला लगेगा लॉग ऑफ एन टी माइनस लॉग ऑफ एन जीरो डिवाइड बाय लॉग टू, लॉग ऑफ एन टी की वैल्यू 10^6 दे रखी है, इसकी वैल्यू 10^2 दे रखी है, उसको लॉग टू की वैल्यू 0.3 है, 6 - 2 ऐसा ही जैसे मैंने किया सर, 4 / 0.3 वैल्यू 13.33 आई और 13.33 इसके बीच में ही कहीं पर है। चलो वेरी गुड, ये सही किया, वेरी गुड। अ फर्मेंटर इज फिल्ड विद अ मीडियम एट अ रेट ऑफ 1 लीटर पर मिनट, अ लीक डेवलप्ड एट द बॉटम, ओहो फर्मेंटर में हुआ छेद, किसने कर दिया सुराग, व्हेन द मीडियम इन अ फर्मेंटर रीचेस 200 लीटर, ओके 200 लीटर से सर ज्यादा होते ही अच्छा टपकना शुरू होता है, फिर छेद है सर, द रेट ऑफ मीडियम लीकेज इज 2TL per minute where T is the time at which leak begins. The volume of medium in fermenter after 10 minutes of leakages. इसमें बायोलॉजी का या बायोप्रोसेस टेक्नोलॉजी का कोई लेना देना नहीं है सर, ये सिंपल गणित का प्रश्न है ना, एक सिलेंडर है, सिलेंडर में यहाँ पर छेद कर दिया और इतनी रेट रफ्तार से भरा जा रहा है, इतनी रफ्तार से टपक रहा है, तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, ऐसे कुछ इतना से लिखा मीडियम इन द फर्मेंटर आफ्टर 10 मिनट ऑफ लिंकेज, ये तो सर आपने किया होगा क्योंकि मैथ्स है, पूरा कोर मैथ्स है, आंसर है 110 कैसे निकाला इसकी सारी वापस ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप है ना, बाद में कंप्लीट मैथ्स है, इट्स नॉट अबाउट बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग ना, ये सर बायोलॉजी का कोई कंसेप्ट लग रहा है, ठीक है, एटीट्यूड का क्वेश्चन लग रहा है। चलो आगे बात करते हैं, वापस बायोप्रोसेस का क्वेश्चन आया, क्या बात है, अ फेड बैच प्रोसेस रनिंग एट क्वासी स्टेट विथ रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट एंड बायोमास कंसंट्रेशन एट 2 hours द कल्चर वॉल्यूम इज 500 लीटर with a constant sterile inlet of 50 liter per hour of glucose, the culture kinetic parameter that is a mu max KS is 0.2 hour and 0.1 gram per liter. तो फिर क्या निकालना है सर? The substrate concentration नहीं है, S निकालना, तो S निकालने के लिए आपके पास ये simple सा formula होना चाहिए सर, mu, तो mu is equal to mu maximum substrate concentration, KS plus substrate concentration, पहले mu निकालना पड़ेगा, म्यू निकालने के लिए हमें किससे व्यू निकालेंगे सर, फीड रेट निकालनी पड़ेगी, सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी सर,
फेड फीड रेट, फीड रेट वुड बी इक्वल टू म्यू, एफ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, तो आपने सॉल्यूशन किया होगा सर, और आपने म्यू निकाल लिया, म्यू मैक्स दे रखा है, के एस भी दे रखा है, तो फिर सब्सिडी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं. क्या किया है सर, पॉइंट वन आया कि नहीं आया. एट क्वासी स्टेट डायल्यूशन रेट इक्वल्स टू स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, डायल्यूशन रेट कितनी है 50/500, दैट इज 0.1 हायर, तो इसे म्यू पता चल गया 0.1, म्यू की वैल्यू पता चल गया आपको 0.1, म्यू मैक्स की वैल्यू आपको दे रखी है 0.2, सब्सिडी कंसंट्रेशन निकालनी है, के एस की वैल्यू आपको सर दे रखी थी, बाद में काम आ जाएगी जब जरूरत पड़ेगी तो, पर के एस की वैल्यू दे रखी है 0.1 प्लस सब्सिडेट, बस अब तो सब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना है इसको, इससे मल्टीप्लाई करना है सब, उत्तर देखो ये लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल दीजिएगा, फाइनली के एस की वैल्यू आ गई आपके पास. चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं. ओके, ये भी बायोप्रोसेस का है सर. कंसिडर स्केल ऑफ अ फंगल फर्मेंटर फ्रॉम 20 लीटर से 20,000 लीटर जाना है. क्या सर हौसला, 20 लीटर को फर्मेंटर को 20,000 पर जाना चाहते हो. ओके, द मॉडल टाइप ऑफ प्रोटोटाइप हैव द सेम एस्पेक्ट रेशियो, एस्पेक्ट रेशियो सेम मेंटेन कर रहे हैं स्केल अप के लिए, मतलब वही जो डायमेंशन रखे हैं. इंपेलर स्पीड ऑफ मॉडल टाइप इज 5000 आरपीएम, स्केल अप के लिए प्रोटोटाइप रिएक्टर की इंपेलर स्पीड क्या होगी. तो ये तो सर पूरा करके रखा है कि पहले आपको स्केल फैक्टर के निकालना है ना, सिंपल सा फॉर्मूला हो गया आपके पास, डी प्रोटोटाइप डिवाइड बाय डी मॉडल बाय के, के को कैसे निकालोगे, के को निकालने का तरीका है के क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम प्रोटोटाइप डिवाइड बाय वॉल्यूम मॉडल, वॉल्यूम ऑफ प्रोटोटाइप बाय मॉडल की वैल्यू आपके पास होगी 20,000 बाय 20, हजार, हजार का निकालना है आपको, क्यूब रूट, हजार का क्यूब रूट होता है 10, फिर डी मॉडल की वैल्यू 500 दे रखी है, के की वैल्यू आपके पास 10 आ गई, डिवाइड करने पर उत्तर आपका क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा. जी हाँ 50, अरे वाह 50 उत्तर आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लिया. ठीक है, आगे बात करते हैं. यस दोस्तों, इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण कि देखो आपको पता है आईएफएस में किस तरीके से टीचर्स पढ़ाते हैं, क्या क्वालिटी है, गेट बायोटेक का रिकॉर्डेड बैच. आने वाले अपने जूनियर्स को जरूर रिकमेंड करिएगा, कहीं और जगह से लेने से बेहतर है कि दे शुड अप्रोच एट द करेक्ट प्लेस सो दैट दे कैन गेट बेनिफिटेड फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम. उम्मीद करता हूं कि आप अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, और हम सब लोगों की तरफ से आपको पहले से ही बेस्ट विशेस है, एग्जाम में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, चाहे तिवारी साहब हो, चाहे शेडो बॉय हो, चाहे गीतिका हो, मैं उम्मीद करूंगा, और बाकी सारे बच्चे भी हो जो भी अभी कनेक्टेड है या बाद में रिकॉर्ड सेशन में देखेंगे, आई विश कि उनके सारे क्वेश्चंस करेक्ट हो. अगर मेरा किसी से क्वेश्चन का आंसर गलत बता भी दिया है तो आप मेरे बहकाव में ना आए, आपको अगर सही लगता है तो उसको डेफिनेटली जरूर चैलेंज करिएगा. ओके, सो दिस इज फ्रॉम माई साइड. क्या सर कुछ और क्वेश्चन है क्या, देख लेते हैं कहीं ऐसा तो नहीं और क्वेश्चन कुछ पीछे बच गया. फ्री कंटेंट जरूर बताइएगा, कम से कम अगर कोई पेड नहीं कर ले पाता है तो भी उसमें बहुत अच्छा कंटेंट दे रखा है एफ के अंदर, है ना बच्चों. ठीक है चलो, ओके ओके, तो अब सर आप कुछ अगर संबोधित करना चाहें तो कर सकते हैं मेरी तरफ से, थैंक यू. जी सर, आई होप सभी का एग्जाम जो है अच्छा गया होगा, है ना, पीटी का पेपर जो आपने दिया है बेसिकली, और आपको हेल्पफुल भी रही होगी गेट की जितनी भी एग्जाम मैपिंग सीरीज रही थी, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज थी या फिर अंतिम वार सीरीज थी, मॉक टेस्ट भी लिया हमने. सो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ अराउंड 40 के आसपास, 35-40 के बीच में पॉसिबली रह सकता है. ठीक है, 35 से तो प्लस जाने का चांसेस है, क्योंकि जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस थे, मैचिंग वाले क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आए थे और वो थोड़े ईजी रहे थे. बाकी जो पीछे क्वेश्चन आपने जो देखे एंड में जो आए थे, तो वो थोड़े से टफ क्वेश्चंस थे, ऑब्वियसली काफ़ी हार्ड क्वेश्चंस थे. So, as you can say, कि ना वो थोड़ा सा ज्यादा जा सकता है, तो सर लग रहा है 35-40 के बीच, उससे ज्यादा 35-40 के बीच में रहता है, उससे ऊपर तो नहीं जाएगा, ज्यादा तो नहीं जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा, 35-40 के बीच में जाएगा. इम्पोर्टेंट है आपको जो क्वेश्चंस लगते हैं अभी, आप उसको पहले ये कर दो, चैलेंज कर दो, ताकि वो क्वेश्चन भी करेक्ट हो जाएंगे. और जितने भी अभी देखो आपने बहुत अच्छा पेपर दिया हुआ है, ओके तो अभी हम रिजल्ट जब आएगा तब रिजल्ट्स में तो समझ में आ ही जाएगा. हाँ, और कट ऑफ को भी ज्यादा नहीं जाती है, कट ऑफ इजी होगा तो भी कट ऑफ ज्यादा तो नहीं जाएगी इतनी, क्योंकि सभी लोगों को फिर भी सेम ही टाइप का पेपर जाता है. हाँ, इसलिए कट ऑफ रेंज हमेशा 35-40 के बीच में रहती है. यस सर, मार्क के लिए सीएसआर के सिलेबस रिवाइज करने से इनफ रहेगा बिल्कुल, है ना, उतना तो कीजिए, एक्स्ट्रा भी कीजिए, क्योंकि वहां पे आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर भी करना है,
तो ना ऑल्सो दूसरे मैंने भी मार्क के लिए आपको तो पूरा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, इंटरव्यू के साथ प्रिपरेशन करना पड़ेगा। आईआईटी में कितने मार्क्स, तो वी आर गेसिंग सर 50 प्लस 55 प्लस में आईआईटी मिलना चाहिए, 50 60 प्लस तक आपको करना ही पड़ेगा आईआईटीज के लिए, क्योंकि आईआईटी सिलेक्टिव स्टूडेंट को लेती है, आईआईटी रैंक रैंकर्स ही उठाती है, तो इसलिए तो बोला था कि 65 से ऊपर रखना मार्क्स को, 65 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इवन आपका टॉपर जो आएगा, देखिए टॉपर आपका 75 से 80 के बीच में आएगा, हाँ सर, हाँ उतना रहेगा टॉपर, तो फिर 75 अगर टॉपर भी जाता है तो 75 के करीब जो भी स्टूडेंट होंगे उनका तो आईआईटी में सिलेक्शन हो ही जाएगा, हाँ, तो 65 टू 75 का रेंज जो होगा वो हमेशा सिलेक्टिव होता है, जो हर आईआईटी में सिलेक्ट हो जाता है, बट 60 के अबव आपके मार्क्स हो तो चांसेस ज्यादा है, अबव 60 क्वालिफाई तो कर जाओगे साक्षी, आपके मार्क्स 45 है, ठीक है ना, क्वालिफाई तो आप कर जाएंगे, हाँ क्वालिफिकेशन हो जाएगा साक्षी, रैंक भी आ जाएगा 45 पे 100 के अंदर। अरे नाइस, पीएचडी के लिए बता रहे ना, ओके आप ऊपर जाएंगे तो पीएचडी के लिए आपको मिल जाएगा, आप 45-50 प्लस क्रॉस करेंगे तो आपको पीएचडी में तो मिल जाएगा, थोड़ी ठीक रैंक आ जाएगी आपको तो पीएचडी मिल जाएगा, लेट्स सी रिजल्ट आता है जल्दी से, ठीक है ना। तो अभी देखिए आंसर की के लिए चैलेंज का टाइम रहेगा आपके लिए, तो जो क्वेश्चंस देखिएगा आपको जो लग रहे थे, जो आप बोल रहे थे कौन सा डबलिंग टाइम वाला, डबलिंग टाइम वाला अगर 0.693 अपॉन से कर रहे हो, 0.5 से कर रहे हो आप, और आपका आंसर अगर 1.3 आ रहा है, तो एक बार आप चेक कीजिए उसको, बुक से चेक कीजिए, दो तीन जगहों से चेक कीजिए, फिर उसके बाद में चैलेंज कीजिए। दूसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर की मे बी शायद है ना पीपीटी में सर, वो एक क्वेश्चन वन आंसर उसका अलग आ गया होगा, तो उसके लिए भी है ना जो आंसर आपका आ रहा है कि मैं जो 2.3 आप बता रहे हो, तो उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन है इट वॉज अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मुझे लगा कि वही आंसर हो सकता है सी, सर ने डिस्कस किया था आई थिंक आपसे, बाकी अगर आपको उसको एक बार फिर से चेक कीजिएगा, क्योंकि सी ही ठीक लग रहा था, डी अगर उसका ऑप्शन दिया है तो मे बी कुछ अलग थिंकिंग से दिया हो, तो एक बार उसको भी चेक कर लीजिएगा, ऑब्वियसली तीन चार जगहों से सोर्सेज से आप चेक कीजिए, गूगल पे भी देखिए, बुक्स में देखिए मेनली, ठीक है ना, तो वही वाली बात है ना, तो उसके बाद चेक कीजिए एंड देन आप डेफिनेटली लगाइए कट ऑफ 35-40 के बीच में, 35-40 के बीच में, इसके बीच में रहेगी कट ऑफ। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल, थैंक यू, एंड जरूर आपके जूनियर्स जो होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, उनको जरूर आप बता देना कि बैच स्टार्ट हो चुके हैं 19 से, और जो भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं रिकॉर्डेड कोर्स भी ले सकते हैं गेट बायोटेक्नोलॉजी के लिए, सबको आप बता दीजिए, ओके, और ताकि उनका भी प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो और उनका भी अगला वाला जो गेट का एग्जाम है वो अच्छे रैंक से क्वालिफाई जी सर। सो थैंक यू ऑल, थैंक